हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी के शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से कह रहा था कि उनका अलायंस क्लब एक साल पहले बना था और आज इन्हें इनका लीडर चुना था और इस क्लब का लीडर ये लड़का बनना चाहता था, लेकिन सामने खड़े बंदे ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसका किसी से कॉम्पिटिशन कराना चाहते है, जिसके लिए वो अपनी एक फाइटर दोस्त को कॉल करते हैं। वही हम हमारी मेन लीड सियाओ को देखते हैं जो एक लड़की से लड़ रही थी। तभी उसके ये दोस्त उसे कॉल करते हैं। सियाओ कॉल उठाना तो चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि जो लड़की उससे लड़ रही थी वो उससे कहती है या तो वो मैच खत्म करे या हार मान ले। अब सियाओ कैसे तो मैच खत्म करती है। वहीं लियान उनसे कहता है कि वो आखिरी 3 मिनट दे रहा है, उन्होंने अगर सियाओ को नहीं बुलाया तो वो क्लब लीडर बन जाएगा। वहीं सियाओ अपनी दोस्त की बाइसाइकिल लेती है और समुन्दर की तरह तेजी से आने लगती है। वो इतनी तेज थी कि लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। यही हम एक फॉरेनर लड़की को उसके ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं। अब कैसे तो सियाओ उस जगह पहुंचती है और उस लड़के और उसमें एक कंपटीशन होती है। उन्हें एक बोट से एक ड्रिंकिंग बोतल तक पहुंचना है और उसे लाना है। यहाँ शुरुआत में तो दोनों ही काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन सियाओ आगे जाकर पूरा खेल पलट देती है। साथ ही वो तो लियान को भी पानी में पलट देती है और वो उससे रेस जीत जाती है। बाहर आने के बाद लियान सियाओ से कहता है उसने चीटिंग की है। सियाओ कहती है जगह उसकी थी, टाइम उसका था, फिर भी वो हार गया तो उसे गलत बता रहा है। घर आने के बाद सियाओ अपनी दोस्त को कॉल करती है जो हैकिंग और कंप्यूटर गेम जैसे चीजों में माहिर थी। सियाओ उससे पूछती है वो कब से घर से नहीं निकली। वो कहती है 401 दिन से। सियाओ कहती है उसे बाहर की दुनिया में भी निकलना चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती है बाहर कुछ ऐसा है ही नहीं जो कंप्यूटर पर है। इसके बाद हम रात को पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ लियांग और वो लड़की जो सियाओ से लड़ रही थी वो भी आई हुई थी। लियांग उससे कह रहा था वो सियाओ को अगली बार जरूर हराएगा। तभी उसकी दोस्त को कोई लड़का छेड़ रहा था तो वो उसे बचाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ दो ग्रुप हैं, एक में सियाओ है दूसरे में लियांग है। इसके बाद जो लियांग था वो सियाओ को कॉल करता है और एक दोबारा मुकाबला करने को कहता है। सियाओ कहती है वो एक राउंड खेले या 10 राउंड जीतेगी तो वही। यहाँ पर लियांग सियाओ से कहता है कि वो किसी भी मैच के लिए उससे कह सकती है, अगर वो हारी तो अलायंस क्लब का कैप्टन वो बनेगा। सियाओ कहती है जैसे उसकी मर्जी। तभी सियाओ उससे कहती है उसके डैड का कॉल आ रहा है। उसके डैड उससे कहते हैं उसे उसकी मॉम की ग्रेव पर नहीं जाना, जिससे सियाओ थोड़ी उदास ही हो जाती है। इसके बाद सियाओ अपनी मॉम को याद करने लगती है। नेक्स्ट डे सियाओ लियान से मिलती है। अब जब दोनों लिफ्ट से जा रहे थे वहाँ एक छोटी बच्ची और उसकी मॉम वहाँ आ जाते हैं। यहाँ वो छोटी बच्ची उसकी मॉम को परेशान कर रही थी तो सियाओ और लियांग भी स्माइल करते हैं। यहीं हम दो और आदमियों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और यहाँ जो आदमी था उसमें से एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चलाता था और शहर की रक्षा करता था। दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ तो पुलिस भी है, फिर वो ऐसा क्यों कहता है। वो आदमी कहता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस नहीं रोक पाती। अब यहाँ पर वो आदमी बताता है कि उसे अब कुछ नए लोग चाहिए, साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं हम सियाओ और लियांग को देखते हैं। लियांग सियाओ को एक गेम में चैलेंज करता है लेकिन फिर भी वो हार जाता है क्योंकि सियाओ तो इसमें भी परफेक्ट थी। वहीं हम उस छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ एक शॉप पर आई थी। तभी एक आदमी उसे एक डॉल दिखाता है और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जब वो लिफ्ट से जा रहा था लियांग उस लड़की को देखता है और वो समझ जाता है वो बंदा किडनैपर है। सियाओ और वो पार्किंग में जाते हैं और उस बंदे की ही वैन का पीछा करते हैं। बहुत ज्यादा तेजी से पीछा करने के बाद उस किडनैपर की वैन पलट जाती है, उसमें आग लग जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह उस ड्राइवर को बचाते हैं। छोटी लड़की को बचाने के लिए सियाओ वैन में जाती है, बच्ची तो बच जाती है लेकिन सियाओ वहीं फंस जाती है। लियांग भी इसके पास नहीं जा पा रहा था। तभी वहाँ वही बंदा आता है जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। वो आकर कैसे तो जल्दी से सियाओ को बाहर निकालते हैं और तभी वहाँ तेजी से ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर वो आदमी सियाओ के गले में एक नेकलेस देखता है, ऐसा लगता है वो उसे पहचानता है। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं जो वही फ्लावर्स लेकर समुन्द्र किनारे आती है और यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अपनी मॉम से बात करती है। सियाओ बचपन में अपनी मॉम के साथ बिताई पलों को याद करती है और कहती है मैं फिर से आपके साथ रहना चाहती हूँ मॉम। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आया था जिसे कोई बीमारी थी। डॉक्टर उससे कहता है कि अब तो सर्जरी करना भी मुश्किल है। इसके बाद हम सियाओ को उसके डैड के साथ बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ सियाओ अपने डैड से कहती है उन्हें नहीं लग रहा वो उसकी उम्र का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसे मजे भी करने चाहिए क्योंकि जब ये चली जाएगी तो ये टाइम बहुत याद आएगा। तभी डैड कहते हैं कि उसे
हमें मजे भी करने चाहिए और साथ ही उसे फ्यूचर पर भी ध्यान देना चाहिए। खाना खाने के बाद सियाओ को उसके डैड फाइट करने को भी सिखाते हैं। वहीं हम उसी फॉरनर लड़की को देखते हैं जिसके पास वहाँ के सीनियर आते हैं और उससे कहते हैं कि वो सियाओ और उसके साथियों को बिल्कुल भी कम ना समझे। वहीं हम सियाओ और उसके साथियों को बार में देखते हैं जहाँ सभी मजे करने आए थे, लेकिन सियाओ ने तो कुछ अलग ही कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर सभी दोस्त साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। सियाओ सभी से कहती है कि अब सभी को काम ढूंढने चाहिए। यहाँ पर सियाओ ही थी जो सबसे अमीर थी। सियाओ कहती है वो अमीर जरूर है लेकिन उसके पास उसकी मॉम नहीं है। इसके बाद जब सियाओ वॉशरूम जाती है तो उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि वो परेशान है, लेकिन वो बताती क्यों नहीं। सियाओ अपने दोस्त से कहती है कि कुछ नहीं, बस उसे उसकी मॉम की याद आ रही थी क्योंकि उसकी मॉम के बिना उसे बड़े होने तक बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर वो होती तो शायद ऐसा ना होता। इसके बाद सभी को मैसेज आता है और पता चलता है कल से उनका कॉम्पिटिशन होने वाला है। तभी एक लड़की कहती है सभी को एक साथ मैसेज मिला, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वहीं लियांग को भी यही मैसेज आता है और उसकी टीम को भी। यही बार में सियाओ देखती है एक लड़का एक लड़की को किडनैप करने वाला था, वो उसे बहुत मारती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और सियाओ को भी अपने साथ ले जाती है, जिसे यू के डैड आकर छुड़ा लेते हैं। इसके बाद सियाओ के डैड उससे कहते हैं कि एक जवान लड़की का जेल से ऐसे निकलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो ऐसा दोबारा ना करे। सियाओ कहती है क्या वो फिर उस आदमी को ऐसे ही देखती रहती और फिर वो आदमी उस लेडी को ले जाता, क्या ये सही होता। सियाओ के डैड कहते हैं कि उसका तरीका गलत है, लेकिन सियाओ कहती है ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो डैड थे वो अपनी वाइफ की फोटो से कहते हैं कि वो सियाओ को संभाल नहीं पा रहे, इसीलिए वो उसे किसी को ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए फोन करते हैं। यानी अब वो सियाओ को ट्रेनिंग कैंप में भेजने वाले थे। इसके बाद हम फॉरनर लड़की को देखते हैं जो क्लाइंबिंग करने आती है, जिसे देखकर सियाओ के दोस्त के तो होश ही उड़ जाते हैं। जाते वक्त सियाओ की दोस्त उससे पूछती है वो कौन है। वो फॉरनर लड़की कहती है कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा, जिसके बाद वो फॉरनर सियाओ के दूसरे दोस्त को सेकंड बोर्ड में हराती है और फिर इसके ही एक दोस्त को रनिंग और जंपिंग में हराती है। साथ ही वो सभी को एक नोट भी देती है। दरअसल ये एक कोड था जिसका मतलब उन्हें ढूंढना था, ये भी उनका एक टास्क था। जाते हुए फॉरनर लड़की सियाओ को भी चैलेंज करती है, जिसके बाद रात को सियाओ के सारे दोस्त उससे कहते हैं कि वो फॉरनर लड़की कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं है, उसकी रनिंग स्किल क्लाइंबिंग स्किल आम लोगों से कई ज्यादा अच्छी है। यह सभी दोस्त कहते हैं शायद वो उस फॉरनर लड़की को नहीं हरा सकती। वहीं हम उस फॉरनर लड़की को देखते हैं, इसका नाम लियू सा था। लियू सा अपने सीनियर को उसकी नई टीम को दिखाती है जिसमें सियाओ और उसके दोस्त भी थे। नेक्स्ट डे मैच से पहले सभी लोग बात कर रहे थे कि आज सियाओ जीतेगी या नहीं। वहीं हम लियांग को देखते हैं जिसे उसके दोस्त बताती है कि लियू सा ने उसे भी हरा दिया था। इसके बाद सियाओ और लियू सा का मैच भी शुरू होता है और आज वो होता है जो कभी नहीं हुआ था। लियू सा सियाओ को बहुत ही आसानी से हरा देती है। सियाओ ने इस मैच में हार तो नहीं मानी थी अंत तक, पर वो हार गई। ये मैच सियाओ की दोस्त भी देखती है जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो लियू सा का कैमरा हैक करती है ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन है, क्योंकि किसी को नहीं पता था वो कौन है। लेकिन सियाओ की दोस्त लियू सा का सीसीटीवी कैमरा ज्यादा देर तक हैक नहीं कर पाती। घर आने पर सियाओ की देखभाल उसकी डैड करते हैं। वो पूछती भी है कि आज पहली बार वो हारी, उन्हें बुरा तो नहीं लगा। वो कहते हैं वो खुश है। वहीं हम सियाओ के दोस्त को देखते हैं, उसे किसी का कॉल आया है जो कहता है कि उसे नेक्स्ट टास्क में सियाओ की मदद करनी होगी। वो पूछती है कौन सा टास्क। साथ ही वो आदमी कहता है कि वो चाहता है कि वो भी सियाओ के साथ उसकी टीम में शामिल हो। सियाओ अपने दोस्त को प्यार से पिंक पैंथर बोलती थी। अब पैंथर सियाओ के पास आ जाती है जो लियू सा के दिए गए नोट का मतलब ही ढूंढ रही थी। पैंथर आकर उससे कहती है कि शायद वो उसका मतलब ढूंढ सकती है। इसके बाद हम सियाओ को लियांग के साथ देखते हैं, जहां सियाओ उससे कहती है कि क्या उसे भी किसी टीम में आने का इनविटेशन आया है। लियांग कहता है हाँ आया था। तभी लियांग एक जगह बैठता है और एक बोतल के नीचे से नोट रख कर तेजी से निकाल देता है और सियाओ को भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन उससे नहीं होता। सियाओ घर पर आती है तो उसे लियू सा का कॉल आता है। सियाओ कहती है वो उससे फिर से लड़ना चाहती है। लियू सा कहती है कि उसे उसकी हार को पहले एक्सेप्ट करना होगा। वहीं हम सियाओ की एक और दोस्त को देखते हैं जो अपनी शॉप बंद करने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसके डैड रोक लेते हैं और उससे पैसे मांगने लग जाते हैं। उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके डैड हर बार ऐसा ही कहते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे सियाओ के सभी दोस्तों को पिंक पैंथर से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ
सियाओ कहती है कि उन्हें ल्यूसा को ढूंढना होगा। सियाओ कहती है कि उसने सभी को एक नोट दिया है, वो सभी उसे निकाले, लेकिन सियाओ के एक मेल फ्रेंड ने उस नोट को फेंक दिया था। अब सभी उसे ढूंढने के लिए उन्हीं पहाड़ों के पास आते हैं, जहां आते ही पैंथर अपने एडवांस गैजेट की मदद से इस दिन का टेम्परेचर और हवा किस तरफ की थी चेक करती है और उस नोट को ढूंढ लेती है। अब सभी मिलकर बहुत देर तक उस कोड का मतलब सोचते हैं। बहुत देर में पैंथर को कोई आइडिया आता है। वो एक रूम में आती है जहाँ सियाओ भी आती है, लेकिन पैंथर उसे भी बाहर जाने को कहती है। वहीं ल्यूसा को पता चल जाता है कि वो उनके काम में लग चुके हैं। वहीं पैंथर कैसे तो ल्यूसा से कांटेक्ट कर पाती है। ल्यूसा कहती है कि वो यहाँ तो हार माने या फिर ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाए। सियाओ अपने दोस्त से कहती है इस बार उन्हें जीतना ही होगा, ताकि वो लोग पता लगा सके कि आखिर ये लोग कौन है। सियाओ अपने दोस्त से कहती है वो पिछली बार तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार वो रेडी रहेंगे। वहीं ल्यूसा का सीनियर भी देख लेता है कि सियाओ ने हाँ कह दिया है ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद हम सियाओ के डैड को LHSD जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी इसके हेड से मिलते हैं। वो उसे अच्छे से जानते थे। सियाओ के डैड उससे पूछते हैं कि उनकी बेटी कैंप पर खुश तो होगी। वो कहता है कि हाँ, उसे अच्छा लगेगा। इसके बाद सभी लोगों को मैसेज आता है और एक नया टास्क दिया जाता है सभी को। इसमें सभी को एक बैग का पता लगाना था। बैग का मालिक था चैन। ये टास्क 2 मिनट का मिला हुआ था, एक लियान की टीम, एक सियाओ की टीम को। ल्यूसा खुद जाकर लियान की टीम को इस आदमी की फोटो देती है। इसके बाद हम सभी को एक होटल में देखते हैं जहां वो आदमी आने वाला था। यहां हम पैंथर और सियाओ को साथ देखते हैं। सियाओ पैंथर से कहती है कि उसे भी कैंप में शामिल होना चाहिए। दरअसल उसे पता था पैंथर पहले से ही ग्रुप में शामिल थी। वहीं सियाओ के डैड इस बंदे से कह रहे थे जो ये सब करा रहा था। वो कहते हैं वो उसकी बेटी को और ज्यादा बेहतर बना दे। इसके बाद सियाओ को वो आदमी दिख जाता है, तो वो अपने सभी साथियों को बता देती है। तभी वो आदमी टैक्सी में बैठने वाला था, उससे पहले ही सियाओ उस टैक्सी में बैठ जाती है और इस टैक्सी में दूसरी टीम की लड़की थी। वहीं होटल में आते ही हम लियांग को वहां का वर्कर बना हुआ देखते हैं और पैंथर भी लगातार उसी आदमी पर नजर रखे हुए थी। लेकिन जब पैंथर बाद में उस आदमी का पीछा कर रही थी तो उसे लियांग पकड़ लेता है और पूछता है वो सियाओ के साथ है ना। वहीं वो आदमी ड्रिंक कर रहा था तो उसके पास पैंथर आ जाती है, लेकिन तभी वहां पर दूसरी टीम की लड़की आ कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है और पैंथर को जाने को कहती है। अब शक ना होने की वजह से पैंथर वहां से चली जाती है। इसके बाद सियाओ एक लड़की को उस रूम में जाने से रोकती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है यही तो दूसरी टीम का प्लान था। वहीं लियांग रूम में घुसकर एक ब्लैक बैग को ढूंढ लेता है। पैंथर उसे देख लेती है तो वो उसे बांध देती है। तभी सियाओ लियांग को देख लेती है, लेकिन वो देखती है कि लियांग के पास कोई बैग नहीं है। दरअसल लियांग ने रास्ते में ही वो अपने साथियों को दे दिया था। इसके बाद बैग लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो ल्यूसा के पास आते हैं, लेकिन उसके बैग में कुछ नहीं था। वहीं एक दूसरा बैग सियाओ की टीम के पास था और उसकी टीम बहुत खुश हो रही थी। और हम देख पाते हैं सियाओ की टीम का एक दूसरा प्लान भी था, लेकिन जब वो उनके बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर भी कुछ नहीं था। तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसे बैग चुराना था। असली बैग उसके पास था। सियाओ कहती है कि उन्होंने उनकी नजर नहीं हटाई थी बैग से। उन्होंने कब वो चेंज किया? वो कहता है कि बैग तो शुरुआत में ही बदल दिया गया था। यहाँ पर यह सब देख सियाओ जा रही थी, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे उन पर भरोसा करना होगा। इसके बाद सभी को LHSD के ऑफिस में लाया जाता है, जो जगह देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद सभी को ट्रेनिंग की वीडियोस भी दिखाई जाती है। सियाओ यहाँ पर उस आदमी को देखती है जिसने खुद की जान की फिक्र किए बिना उसे बचाया था। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो अपना नाम सांग बताते हैं और कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ही बनाई है। सांग सियाओ को उसके साथ ले जाते हैं। यहाँ पर ल्यूसा सांग से कहती है कि एक जगह एक आदमी कुछ पालतू जानवरों को इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है और ये गलत तरीके से हो रहा है। तो सियाओ और लियांग को ये टास्क मिलता है, उन्हें इसे रोकना था। जहाँ ये पहुँच तो जाते हैं, जहाँ ये पहले छुप कर वीडियो बनाते हैं और देखने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक आदमी उन्हें देख लेता है और वो अपने साथियों को बुला लेते हैं। लियांग और सियाओ उन्हें बहुत मारते हैं। इसी बीच मेन बंदा गाड़ी से भाग जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के सामने सांग अपनी गाड़ी लगा देता है और सभी को बहुत मारता है। और जब उसे लड़ते हुए सियाओ देखती है तो उसे उनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा
अच्छी लगती है। सियाओ आकर उनसे कहती है उसे भी वैसे ही फाइटिंग स्किल्स सीखनी है। सांग लियांग और उससे कहता है जैसे वो काम कर रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें सही से काम करना होगा। वहीं सियाओ के डैड अपनी वाइफ की फोटो को साफ कर रहे थे और कह रहे थे उन्हें सियाओ की याद आती है। जैसे ही वो यह कहते हैं तभी वहाँ पर सियाओ आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि वो LHSD कैंप में जा रही है। सियाओ को देखते हैं जो अपने डैड के पास आई हुई थी। यहाँ वो अपने डैड को कैंप पर जाने वाली बात भी बता देती है और कहती है क्या वो LHSD कैंप के बारे में जानते हैं। वहीं हम पिंक पैंथर को देखते हैं जो किसी से मैसेज में बात कर रही थी और बहुत खुश लग रही थी। वहीं सियाओ के डैड उसे बताते हैं कि LHSD कैंप एक अच्छी जगह है और वो कहते हैं कि उसे अब अकेला रहना भी सीखना होगा। सियाओ बहुत खुश थी कि उसके डैड को यह अच्छा लगा कि वो कोई अच्छा काम कर रही है। यहाँ सियाओ अपने डैड को इमोशनल होते हुए भी देखती है, जिसके बाद सियाओ अपने डैड को गले भी लगाती है और उसके डैड उसे बैग पर बैठा कर बचपन की तरह घुमाते हैं। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। इसके बाद नेक्स्ट डे सभी कैंप पर जाने वाले लोग एक बस में बैठ जाते हैं। पिंक पैंथर कहती है उन्हें एयरपोर्ट पर बुलाया था, उसे लगा वो एरोप्लेन में जाएंगे। यहाँ सियाओ की एक दोस्त काफी लेट हो जाती है। अब बस लूशा की गाड़ी के पीछे चलती है और सभी एक जगह पहुँचते हैं और सभी को बस से उतारा जाता है और अपना सामान लेकर लाइन लगवाई जाती है और बस को वापस भेज दिया जाता है, जिसे देखकर सभी कम्प्लीटली शॉक थे। सियाओ लूशा से पूछती है कि उन्हें क्या करना है। लूशा कहती है पैदल जाना है। वो पूछते हैं कहाँ, तो लूशा उन्हें एक मैप देकर वहाँ से कार में बैठकर चली जाती है और इन सभी को करीबन 10 किलोमीटर पैदल चलना था। सभी लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन सभी को यहाँ से आगे तो बढ़ना ही था, इसलिए सभी अपना सामान लेकर भागने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही सभी थकने भी लग जाते हैं लेकिन फिर भी भागते हैं। तभी सियाओ की एक दोस्त से चला नहीं जा रहा था क्योंकि वो हील्स पहन कर आई थी कैंप पर, साथ ही वो स्टाइलिश कपड़े भी पहन कर आई थी। आधे रास्ते में लूशा उन्हें देखती है और देखती है कि सियाओ और उसके दोस्त आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तो लूशा उन सभी को ऐसा करने के लिए मना कर देती है, मतलब खुद का काम खुद ही करना था। यहाँ लूशा के जाते ही सियाओ उसके दोस्त की हील को तोड़ देती है, साथ ही वो देख पाती है पिंक पैंथर भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो उसकी भी मदद कर देती है। अब सभी लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां लियांग और सभी लेट आते हैं और सबसे पीछे सियाओ और पिंक पैंथर थी। सियाओ तो आते ही नाटक करने लगती है कि उसके पैर में चोट लग गई थी। अगले सीन में सियाओ को 100 पुशअप करते हुए देखते हैं क्योंकि यह तो उसकी सजा थी। इसके बाद सभी को उनके सेल फोन को जमा करने को कहा जाता है, लेकिन उससे पहले सभी अपनी फैमिलीज और दोस्तों से बात कर सकते थे, लेकिन लियांग पिंक पैंथर और सियाओ किसी से बात नहीं करते। लेकिन हम यहाँ देख पाते हैं एक बंदा था जो फोन जमा करना नहीं चाहता था, वो लूशा को मना कर देता है और किसी से बात करता है जिसके पास जमा करा ही देता है। इसके बाद सभी एक पानी के टैंकर के पास आते हैं जहाँ इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी डाला जाता है, पर कैसे तो सभी इस टास्क को पास कर ही लेते हैं। शाम को मुश्किल बढ़ने वाली थी। इसके बाद सभी को कीचड़ में लेट कर दूसरी तरफ निकलना था। सुबह शुरू हो जाता है। कुछ देर उस कीचड़ के अंदर चक्कर लगाते हुए सब थक जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पिंक पैंथर थक गई थी, वो बेहोश हो जाती है। परमिशन मिलने पर उसे अंदर लाया जाता है, उसके लिए गर्म पानी मंगाया जाता है जिसे वहीं जो बंदा था एक वो लेकर पी जाता है, जिससे सियाओ को गुस्सा आता है। लेकिन वहीं उनका जो सीनियर था वो एक और ग्लास गर्म पानी मंगाता है। वो बंदा फिर लेने की कोशिश करता है और सीनियर को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन सीनियर ही उसका हाथ मरोड़ देता है, इसलिए वो बंदा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी को वापस से ट्रेनिंग पर जाने को कहा जाता है। बस पिंक पैंथर को छोड़कर जाते हुए लूशा पिंक पैंथर से कहती है कि वो दूसरों की मदद कैसे करेगी जब वो खुद की ही मदद नहीं कर सकती। इससे पिंक पैंथर को बुरा लगता है। वहीं सभी को अभी ठंडे कीचड़ के पानी में ट्रेनिंग कराई जाती है और कहा जाता है उन्हें खाना और गर्म पानी चाहिए तो उन्हें ये जल्दी खत्म करना होगा। सभी लोग चक्कर लगाते जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं सभी के ग्रुप बनाए गए थे। सभी को बहुत भूख लगी थी। शाम टेबल पर बस थोड़ा सा ही खाना था, तो एक सीनियर बंदा दूसरे के पास जाकर धीरे से पूछता है क्या राइस खत्म हो गए थे। वो कहता है हाँ, तो सीनियर तेजी से कहता है उन्हें आज यही खाना होगा। अब सभी कैसे तो मिलकर उस थोड़े से खाने को बांट कर खाते हैं, जिसके बाद नहाने के लिए जैसे ही कहा जाता है सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सभी को उनका रूम और रेस्ट करने का टाइम बताया जाता है।
जाते हुए सियाओ लूसा से पूछती है, वो लोग कौन है? लूसा कहती है, जल्दी पता चल जाएगा। अब सभी नहा कर फ्रेश हो जाते हैं। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां सभी जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन सियाओ तो घोड़े बेचकर सो ही रही थी। सभी बाहर आते हैं तो लूसा को सियाओ नहीं दिखती, तो वो ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देती है, जिससे सियाओ को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जिसके बाद सभी की फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और सभी को एक जगह लाया जाता है, जहां उनका एक सीनियर उनसे लड़ने को कहता है, जिसके लिए वो लियांग, सियाओ, डेरी और उसकी एक फाइटर दोस्त को चुनता है। फाइट शुरू होती है, लेकिन वो बंदा तो उन्हें 25 सेकंड में ही हरा देता है। फिर वो कहता है कि उसने उन लोगों से ज्यादा उम्मीद की थी, जिससे वो सभी लोग भी वहाँ एम्बेरिस होते हैं बहुत ज्यादा। अब सभी बैठे थे तो पिंक पैंथर कहती है, कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है। यहाँ सियाओ पिंक पैंथर से कहती है कि उन्हें उनकी कमजोरियों पर ध्यान देना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम लीडर सांग के साथ लियांग को देखते हैं। यहाँ सांग लियांग से कह रहे थे कि उन्हें उस पर भरोसा है और उससे बहुत सारी उम्मीद भी है। नेक्स्ट डे फिर से सभी को तेज बॉयज के साथ उठाया जाता है और फिर से सभी की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन इस बार सभी को उनके काम के ऊपर उन्हें स्कोर दिया जाता है, जो खराब करता है वो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर सभी को उनके कोड नेम भी दिए जाते हैं, जिसके बाद सभी का एक एग्जाम होता है। यहाँ सभी के जाने के बाद लियांग देखता है सियाओ तो चॉकलेट खा रही थी, तो सियाओ उससे आंसर पूछती है, तो वो भी चॉकलेट मांगता है। उन्हें लग रहा था उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें लूसा और चैन, जो उनका ट्रेनर भी था, वो देख रहे थे। जिसके अगले ही सीन में हम सभी लोगों को समुंदर के ठंडे पानी में देखते हैं, जहां लूसा और चैन बताते हैं कि अगर गलती किसी ने की और सभी ने उसका साथ दिया तो उन सभी को सजा दी जाएगी। वहीं हम लूसा और चैन को सभी एग्जाम पेपर को चेक करते हुए देखते हैं, जहां कुछ लोगों ने ट्रेनर के बारे में लिखा था कि वो अच्छा नहीं है, उसका मूड हमेशा खराब रहता है, और ये भी लिखा था कि वो एक बॉडीगार्ड इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो स्कैमर से लड़ सके, यानी जो उन्हें धोखा दे उससे लड़ सके। इसके बाद चैन सभी को क्लास में पूछता है कि उन्हें झूठ बोलना चाहिए या वफादारी से काम करना चाहिए। सियाओ कहती है उन्हें झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वहीं लियांग कहता है कि उनका काम ऐसा है जिसमें अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला तो कई बार वो कहीं फंस भी सकते हैं। जिसके बाद चैन कहता है क्या जरूरी है, उन्हें जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद लूसा सभी से कहती है कि उनकी 400 मीटर की रेस होगी, 4 राउंड दिए जाएंगे, उन्हें पॉइंट्स भी मिलेंगे, लेकिन हर राउंड में उनके ऊपर वजन बढ़ता जाएगा। रेस शुरू होती है, फर्स्ट राउंड को सभी तेजी से पूरा कर लेते हैं। अब वजन बढ़ना शुरू होता है, लेकिन सिया और लियांग और उसके दो दोस्त काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लास्ट राउंड आते आते सभी बुरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। लेकिन पिंक पैंथर तो लगभग हार ही गई थी। लियांग और सियाओ इसके लिए चिल्लाते हैं, वो कर सकती है और कैसे तो वो कर ही लेती है, लेकिन उसके साथ जो बंदा था वो बाहर हो जाता है। जिसके बाद सभी को उनकी रैंक दिखाई जाती है, सभी जो आगे थे वो खुश होते हैं। इसके बाद सियाओ की एक दोस्त चैन के पास आती है और कहती है उसे एक कॉल करना है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर वो करने देता है कि तभी उसके पास लूसा आती है और हमें पता चलता है चैन लूसा को पसंद करता था। वो लूसा को लंच के लिए पूछता है, लेकिन लूसा तो उससे सही से बात ही नहीं करती और चली जाती है। जिसके बाद हम सभी को एक जगह पर इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जहां सभी की एक टीम बनाई जाती है और जिसका पार्टनर गलती करता उसे पानी में पुशअप करनी पड़ेगी। टास्क शुरू होता है, उन सभी को लग रहा था ये आसान है, सभी को एक पैर पर खड़ा रहना था, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता, इसीलिए सभी के पार्टनर को बार बार हर राउंड में पुशअप मारने पड़ रहे थे। लेकिन हम पिंक पैंथर को देखते हैं, जिसका पैर एक भी बार जमीन पर नहीं आता और उसके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, और उसका पार्टनर लियांग बना हुआ था, इसीलिए वो एक भी बार पानी में नहीं जाता। सभी ये देखकर हैरान थे। इसके बाद सभी की एक क्लास होती है, जहां चैन सभी को सिखा रहा था कि एक दुश्मन उन पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। चैन बताता है कि उन्हें उनसे कैसे लड़ना है और अगर वो सामने हो तो उन्हें क्या करना है। क्लास के बाद हम सभी को पुशअप करते हुए देखते हैं। रात को जब सब थक कर सो रहे थे तो लूसा और चैन उनके रूम में फायर क्रैकर्स लगा देते हैं और जला देते हैं। उनकी आवाज बहुत तेज होती है, साथ ही हर जगह धुआं हो गया था। सभी बाहर भागते हैं। सभी को बताया जाता है इस तरह आधी रात को भी उन्हें जगाया जा सकता है, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट डे फिर से सभी को दौड़ाया जाता है, पुशअप कराए जाते हैं, वो भी पानी में। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ लोग बाहर भी हो जाते हैं। इसके बाद एक टास्क और होता है, जिसमें लड़की को उठाकर दूसरी तरफ जाना था और एक बकेट लानी थी। वहीं
दूसरी तरफ लड़कों को भी ऐसा ही करना था। ये करना सभी के लिए बहुत मुश्किल था। इसके साथ ही सभी को कोई एक चीज ढूंढनी थी और उसे लाकर फ्लैग को ऊपर लगाना था, जहां हम पिंक पैंथर को देखते हैं, जो अपनी एडवांस वॉच की मदद से सभी लड़कियों को जिता देती है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता। अब लड़के हार गए थे, इसीलिए उन्हीं में से दो लड़के बहुत ज्यादा जल रहे थे पिंक पैंथर से, इसीलिए वो छुप कर उनके ऊपर पानी भी गिराते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहीं सियाओ की दोस्त उससे कह रही थी कि जरूर लूसा और शैन के बीच कुछ चल रहा है। तभी भीगी हुई पिंक पैंथर सियाओ के पास आती है, तो सियाओ को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो सीनियर को बताने जा ही रही थी कि तभी पिंक पैंथर कहती है उसे खुद की मदद खुद ही करनी है, और ये बात उसे लूसा ने कही थी और उस वक्त उसे बहुत बुरा लगा था, इसीलिए पिंक पैंथर ऐसा बोल रही थी। सियाओ फाइटिंग सिखाती है। एक दिन जब पिंक पैंथर अकेले जा रही थी, तभी वो दोनों लड़के पिंक पैंथर को पकड़ लेते हैं और मारने वाले होते हैं। एक को तो पिंक पैंथर मार देती है, दूसरे वाले का हाथ लियांग आकर पकड़ लेता है और वो बंदा भाग जाता है। लियांग पिंक पैंथर से पूछता है कि उसे लड़ना किसने सिखाया, तो वो कहती है सियाओ ने, लेकिन वो अब भी रो रही थी। इसके बाद तो सियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों के गेट को जाकर किक करती है, और वो लड़की कहती है वो उन्हें मारने आई है। तभी सियाओ एक को पंच मारती है, तभी वहाँ लियांग आ जाता है और सियाओ को चैलेंज करता है उससे लड़ने के लिए। इसके बाद दोनों की फाइट शुरू होती है और दोनों ही काफी अच्छा लड़ रहे थे कि तभी उनके दोस्त आ जाते हैं और उन्हें रोकने को जाते हैं कि तभी वहाँ खड़े लड़के उन्हें रोकते हैं, इसलिए जो लड़कियाँ आई थी वो बहुत गंदा मारती है उन लड़कों को। तभी वहाँ पर लूसा और चैन भी आ जाते हैं। अगले सीन में वापस से सभी को समुंदर के ठंडे पानी में खड़ा कर सजा दी जाती है। लूसा गुस्सा होते हुए कहती है कि उनके जैसे लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, वो जा सकते हैं। सियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो लूसा को पानी में फेंक देती है, जिसके बाद चारों लड़कियों को चैन के पास लाया जाता है। यहाँ सियाओ कहती है कि सारी गलती उसकी है और किसी की नहीं, इसलिए वो उसे कोई भी सजा दे सकते हैं। चैन कहता है इसमें उसके पॉइंट्स कटेंगे। सियाओ फिर भी हाँ कहती है। चैन कहता है ठीक है, उसे 12 घंटे की सजा मिलेगी, लेकिन पिंक पैंथर कहती है वो उसे दिए गए सजा को नहीं लेने देगी क्योंकि उसकी भी गलती है। लेकिन सियाओ उसे कैसे तो कहती है कि उसे अभी स्ट्रांग बनना है, अगर उसे सजा मिली तो वो और कमजोर हो जाएगी। इसके बाद सभी की प्रैक्टिस शुरू होती है, लेकिन सियाओ को तो सजा मिली थी इसीलिए वो ट्रेनिंग में नहीं आती। तभी सियाओ का दोस्त लियांग से आकर कहता है वो ऐसा है उसे नहीं पता था, क्योंकि सजा उसे भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन लियांग को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। सभी की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, लेकिन सियाओ भूखी प्यासी एक जगह खड़ी हुई थी, बस उसे बैठने की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन सियाओ के दोस्त उसके लिए आते हैं, उसे हंसाते हैं। वहीं दूर से उन्हें लियांग भी देख रहा था, लेकिन सियाओ अपनी जगह से नहीं हिल सकती थी, वो खड़ी रहती है। लियांग उसे दूर से देखता रहता है। लियांग के पास वो दोनों लड़के भी आते हैं और सियाओ से उसे लड़ने को कहते हैं। रात को बारिश होती है, लेकिन सियाओ अब भी भूखी प्यासी खड़ी हुई थी। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है अम्ब्रेला लेकर और वहीं खड़ी हो जाती है। सियाओ उन्हें जाने को भी कहती है, वो नहीं जाती, लेकिन सियाओ किसी की बात नहीं सुनती और उन्हें जाने को कहती है। वहीं लियांग को भी सियाओ की फिक्र हो रही थी क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और लड़ाई भी की थी। लियांग लूसा के पास भी आता है। लूसा कहती है कि वो अगर माफी मांग लेती है तो वो उसकी सजा माफ कर देगी, इसीलिए लियांग सियाओ के पास आता है बारिश में भीगते हुए। लियांग उससे बात कर ही रहा था कि तभी सियाओ बेहोश हो जाती है। लियांग उसे उठाकर वहाँ से मेडिकल रूम ले आता है। यहाँ सांग भी आए हुए थे, जिनकी ये ऑर्गेनाइजेशन थी। उनके जाने के बाद सियाओ के दोस्त उसे मिलने आते हैं। तभी लियांग भी आता है, लेकिन सियाओ का एक दोस्त उसे मारने जाता है क्योंकि उसे लगता है सारी गलती लियांग की है। यहाँ सियाओ लियांग से कहती है कि उसने उसके डैड से कहा था वो अच्छा काम करेगी, लेकिन वो ये सब कर रही है यहाँ आकर। इसके बाद सियाओ का दोस्त लियांग से आकर कहता है वो सियाओ से दूर रहे, लेकिन लियांग तो उसकी बात सुनता ही नहीं। वहीं सियाओ भी अब ठीक थी, वो बाहर आती है कि तभी वो उसके डैड को चैन के साथ देखती है, तो वो अपने डैड का पीछा करती है, लेकिन वो देख लेते हैं। सियाओ फिर दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। वहीं हम लूसा को सांग के साथ देखते हैं। लूसा कहती है उसे उसके स्टूडेंट्स पर विश्वास है, वो हार नहीं मानेंगे। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं जो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। पिंक पैंथर भी खुश होती है। जो लड़की सियाओ से लड़ा करती थी वो भी उसे गले लगा कर बाहर चली जाती है। इसके बाद सभी की पंचिंग प्रैक्टिस होती है। रात को हम एक लड़की को देखते हैं, ये भी सियाओ की दोस्त थी और उसे जोंगजो की उनका इंस्ट्रक्टर था अच्छा लगने लगा था। पिंक पैंथर कहती है
व्हाइट शार्क अच्छा है, ये एक कोड वर्ड था। इसके बाद रात को हम लियांग और सियाओ को साथ बाहर आया हुआ देखते हैं, जहां लियांग सियाओ से कहता है जब वो बहुत छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। लियांग अपने डैड के साथ बड़ा हुआ था और सियाओ कहती है वो भी उसके डैड के साथ ही बड़ी हुई है। इसके बाद सभी को एक क्लास में लूसा बताती है कि उनके लिए एक अच्छी न्यूज है, उन्हें रियल लाइफ में किलर पकड़ने का मौका मिलेगा। लूसा कहती है सभी को तीन ग्रुप में बांटा जाएगा, तीन बुरे लोग होंगे और तीन अच्छे लोग। चैंग कुछ स्टिकर्स दिखाता है और कहता है कि बुरे लोग के लिए ये स्टिकर्स होंगे और अच्छे लोग के लिए ये वाले। इसके बाद हम लूसा को मॉल में देखते हैं, वही सियाओ और बाकी सभी लोग मॉल के सीसीटीवी कैमरा वाले रूम में थे। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसका इन लोगों ने बैग ढूंढा था, उसके साथ गार्ड बनकर सियाओ और बाकी लोग आए थे। तभी एक वर्कर इस आदमी के ऊपर बोतल फेंकती है लेकिन सियाओ उसे किक कर देती है। दरअसल इन सभी को मिलकर बुरी टीम को पकड़ना था, इसीलिए सभी को अलग अलग टीम में बांटा गया था। तभी एक गार्ड आकर उस वर्कर को डांट कर उस आदमी को छूने वाला था, इससे पहले सियाओ उसे रोक देती है। अगर वो अभी ऐसा कर लेता तो सियाओ की टीम अभी हार जाती। जिसके बाद सियाओ लियान की टीम को ढूंढ कर सोचती है कि वो किलर टीम है। वो कहती है अब 2 पॉइंट उसके हुए, लेकिन चैन से पता चलता है उन लोगों ने गलती की है। दरअसल सियाओ की टीम को किसी और बंदे को गार्ड बनाना था, लेकिन वो तो गलत आदमी की सिक्योरिटी कर रहे थे। मतलब यह था कि उन्हें कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे। इसके बाद चैन कहता है आज की ट्रेनिंग पूरी हुई। वापस आने पर लूसा कहती है वो सभी बस नाटक करते हैं, दूसरे जो करते हैं वो भी वही करने लगते हैं। चैन कहता है कि उन्होंने इस बार पहले से काफी अच्छी मेहनत करी, उसे अच्छा लगा। तभी लूसा कहती है कि वो तो ये भी नहीं जानते कि उन्हें बचाना किसको है। दरअसल ये गलती आज सियाओ ने भी की थी। यहाँ चैन पिंक पैंथर की टीम की तारीफ भी करता है क्योंकि उन्होंने आज अच्छा काम किया था और यह प्लानिंग पिंक पैंथर की थी, तो उसे 3 पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके बाद सॉन्ग सबको खुद क्लास देते हैं। तभी सॉन्ग लियांग को क्लास में बात करता देखते हैं, तो वो उसको खड़ा करके पूछते हैं एक गार्ड को कार में बैठने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। लियांग गलत जवाब देता है। सॉन्ग उसे एक्स्ट्रा सजा देते हैं जिससे लियांग को भी अच्छा नहीं लगता। दरअसल यहाँ जो लीडर सॉन्ग थे वो सिखा रहे थे कि अगर उनकी गाड़ी में कोई किलर बैठ गया तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले उस किलर को पता चलने से पहले कोड वर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन अपने साथियों को बता दो। इसके बाद सभी को कार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसमें उन सभी को कार से एक स्टंट करना था और वो भी कार को बैलेंस करके। इसमें लियांग काफी अच्छा करता है इसीलिए वो ज्यादा चिल्लाने लगता है, तो सॉन्ग उससे फिर से शांत होने को कहता है। फिर सियाओ की बारी आती है, वो ज्यादा खास कुछ नहीं कर पाती लेकिन पिंक पैंथर थोड़ा ठीक करती है। इसके बाद हम सभी को लंच करते देखते हैं। यहाँ हम लियांग को अकेला बैठा और गुस्से में देखते हैं। लियांग अपने डैड सॉन्ग की ही बातें सोच रहा था। इसके बाद फिर से कार वाले ट्रेनिंग होती है। इस बार शुरुआत सियाओ करती है लेकिन वो अब भी सही नहीं कर पाती। लेकिन हम लियांग को देखते हैं जो अब भी सबसे अच्छा करता है, लेकिन वो फिर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था वहाँ उससे अच्छा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन सॉन्ग को ये अच्छा नहीं लगता, वो लियांग को कहते भी हैं क्या उसे लगता है उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सॉन्ग खुद कार चला कर लियांग का घमंड तोड़ देते हैं। इसके बाद जब लियांग अकेला बैठा था उसके पास सियाओ आती है और उससे कहती है कि उसने काफी अच्छी ड्राइविंग की थी, तो वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं, उसके डैड को वो फिर भी पसंद नहीं है। सियाओ उससे कहती है कि क्या वो उसके डैड से डरता है। लियांग कहता है ऐसा नहीं है। जिसके बाद सियाओ और लियांग मिलकर पार्किंग से गाड़ी निकाल लेते हैं जो सब कुछ सॉन्ग सीसीटीवी से देख लेते हैं। सियाओ और लियांग बाहर निकल कर कार में बहुत मजे से घूमते हैं बाहर। वहीं पिंक पैंथर और उसके साथियों को नहीं पता था सियाओ कहाँ है। वहीं सियाओ के मेल फ्रेंड को भी लियांग का नहीं पता था वो कहाँ गया है। सियाओ और लियांग कार से बाहर निकल कर बातें करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं दोनों करीब आ रहे थे, दोनों को ही प्यार होने लगा था। यहाँ लियांग सियाओ से पूछता भी है क्या वो हमेशा साथ रहेंगे। सियाओ कहती है उसे नहीं पता। लियांग कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, वो एक साथ ही रहेंगे। फिर वो फायर वर्कर्स देखते हैं जिसके बाद दोनों वापस आ जाते हैं और बाय बोलते वक्त सियाओ लियांग को गले भी लगाती है जिससे लियांग पूरी तरह से हैरान था। वहीं सियाओ का दोस्त भी उन दोनों को ऐसे साथ देख लेता है, उसे बुरा लगता है क्योंकि वो सियाओ को पसंद करता था। सियाओ अपने रूम में आती है और कहती है उसे लगा था वो सभी सो गए होंगे,
लेकिन सभी तो जगे हुए थे। यहाँ सियाओ पिंक पैंथर के लिए उसका आईपैड भी ले आई थी। इसके बाद नेक्स्ट डे जब सभी ट्रेनिंग के लिए आए थे, लूसा लियांग को उसके डैड के पास भेज देती है क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया था। सॉन्ग लियांग को डांटते हैं और कहते हैं उसने गाड़ी क्यों चुराई रात को। यहाँ लियांग कहता है यह उसका प्लान था, वो इसमें किसी और का नाम ना ले क्योंकि वो नहीं चाहता था सियाओ के और पॉइंट्स कटे। यहाँ लियांग सॉन्ग से कहता है कि डैड आप हर वक्त मुझे परेशान क्यों करते रहते हो। सॉन्ग कहते हैं अगर ऐसा है तो वो अपने घर जा सकता है। लियांग मना कर देता है और कहता है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। वहीं हम पिंक पैंथर को देखते हैं जिसकी दोस्त कह रही थी उसका ब्रेसलेट इतना ही एडवांस है तो उसे वो एक कॉल करने दे। पहले तो पिंक पैंथर मना करती, फिर वो कह देती है ठीक है, इसीलिए वो सभी दोस्त को बाहर भेज देती है और साथ में पिंक पैंथर को भी। बाहर आने पर सियाओ से उसकी दोस्त कहती है जरूर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही होगी। तभी वहाँ लियांग आता है तो सियाओ उसके साथ चली जाती है। पिंक पैंथर भी उन्हें साथ देख लेती है। दरअसल पिंक पैंथर को लियांग अच्छा लगने लगा था। वहीं सियाओ लियांग से पूछती भी है क्या उसने सारी गलती खुद की बता दी। लियांग कहता है वो कैंप छोड़कर जाना चाहता है। सियाओ उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है वो उसे पसंद करती है तो वो कहीं ना जाए। ये कहकर सियाओ भाग जाती है। लियांग उसके पीछे जाता है। अब सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और सियाओ और लियांग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर पिंक पैंथर उन्हें साथ देखकर थोड़ी दुखी थी। इसके बाद फिर से सियाओ का दोस्त लियांग को उससे दूर रहने को कहता है। जब सियाओ ये देखती है तो वो अपने दोस्त से कहती है कि वो लियांग को पसंद करती है। सियाओ का दोस्त दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चैन क्लास में बताता है कि उन सभी की ट्रेनिंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी, जिसके बाद चैन सिखाता है कि उन सभी को उनके क्लाइंट की रक्षा कैसे करनी है। फिर वो स्क्रीन पर एक रूम दिखाता है और पूछता है उस रूम में क्या गड़बड़ है, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। चैन कहता है उसकी अगली ट्रेनिंग यहीं होगी, फिर हम सभी को एक होटल में देखते हैं। जिसके बाद सभी को एक एक करके 3 मिनट के लिए एक रूम में भेजा जाता है और प्रॉब्लम को ढूंढने को कहा जाता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिलता। सियाओ के एक दोस्त को गलती से एक चीज मिल जाती है, वो खुश होता है, लेकिन लूसा उसे कोई पॉइंट नहीं देती। जिसके बाद लियांग अंदर जाता है और वो इस चीज को ढूंढ लेता है और सियाओ भी अंदर जाने पर वो ढूंढ लेती है, वो खुश होती है। लूसा को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन लूसा तब भी सभी के पॉइंट्स कट कर देती है। दरअसल अब भी रूम में बहुत सारी खतरनाक चीजें रखी हुई थी जिसे उन्होंने नहीं ढूंढा था, इसीलिए चैन और लूसा सभी को डांटते हैं। वो दोनों कहते हैं कि उनकी इन गलतियों की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इसके बाद सभी को 400 मीटर की रेस 2 बारी करने को कहा जाता है। वहीं सॉन्ग को पता चलता है उनका सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है। यहीं हम सभी दोस्तों को साथ बैठकर मैसेज करता हुआ देखते हैं क्योंकि यही उनका रेस्ट टाइम था। इसके बाद सियाओ और पिंक पैंथर तो क्लास में सॉन्ग का मजाक भी बना रहे थे, तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है। सभी सोचते हैं वो तो अब गए, लेकिन तभी सॉन्ग को किसी का कॉल आता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सॉन्ग सिस्टम हैक का पता लगाते हैं तो पता चलता है ये महान काम पिंक पैंथर ने किया था, उससे उसका आईपैड भी ले लिया जाता है। लेकिन उस वक्त सियाओ के हाथ में था वो आईपैड, इसीलिए सियाओ कह देती है उसने ही ये किया था। यहाँ सॉन्ग को पता था उसने तो वो नहीं किया, इसीलिए वो सियाओ से कहते हैं कि अगर उसने कल तक नहीं बताया तो वो उसे कैंप से निकाल देंगे। वापिस आने पर सियाओ पिंक पैंथर से पूछती है उसने सिस्टम हैक करा था LHHD का। पिंक पैंथर कहती है हाँ ये सब गेम खेलने जैसा था। सियाओ कहती है उसकी गेम ने उसे मुसीबत में डाल दिया है। इसके बाद सियाओ लियांग से मिलने भी जाती है और उसे गले भी लगाती है। दरअसल सियाओ ने डिसाइड कर लिया था वो कैंप छोड़ देगी। लूसा आकर सॉन्ग को ये बताती है और पूछती है क्या वो सच में उसे बाहर निकालना चाहते हैं। सियाओ तो कैंप से बाहर भी आ जाती है और बार में अपने दूसरे दोस्तों के साथ ड्रिंक करती है और मजे करती है। वहीं जब पिंक पैंथर को ये बात पता चलती है कि सियाओ को बाहर निकाल दिया जा रहा है तो वो खुद सॉन्ग के पास आती है और बताती है उसने सिस्टम हैक किया था, सियाओ ने नहीं किया था, इसीलिए वो उसे सजा दे। सॉन्ग पिंक पैंथर से कहते हैं कि वो उसे सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो तो चाहते थे उसके जैसा कोई LHHD में हो। और सॉन्ग ये भी बताते हैं कि उन्होंने तो अभी तक सियाओ को भी कोई सजा नहीं दी है। वो बताते हैं कि फैसला उसका है वो क्या चाहती है। इसके बाद सियाओ अपने घर अपने डैड के पास भी आ जाती है। उसके डैड पूछते हैं वो वापस क्यों आ गई है। सियाओ कहती है कि उसे घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। डैड पूछते हैं कुछ हुआ है क्या। सियाओ कहती है वो कैंप पर वापस नहीं जाना चाहती। डैड पूछते हैं क्यों क्या हुआ। सियाओ कहती है कुछ नहीं। यहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे कैंप पर भेजा था और वही चाहते थे वो वहाँ जाकर स्ट्रांग बने। यहाँ उसके डैड बताते हैं कि उसके बायोलॉजिकल डैड सॉन्ग है। ये सुनकर सियाओ कम्प्लीटली शॉक
वक्त थी। यहाँ उसके डैड कहते हैं कि जब वो 4 साल की भी नहीं हुई थी तभी जियोंग सोंग ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया था और अपना होम टाउन छोड़कर नानकिंग शहर में आ गए थे। ये सुनकर सियाओ इमोशनल ही हो जाती है और उसे बुरा भी लगता है। वह अपनी मॉम को भी याद करने लगती है। वहीं रात को लियांग को भी नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद सियाओ वापस जाने का फैसला करती है। उसके डैड कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, फिर जियोंग सोंग से बदला जरूर ले, क्योंकि सियाओ जानती थी उसकी मॉम ने अकेले उसे कैसे बड़ा किया। यहाँ सियाओ अपने डैड की बातें सुनकर कहती है कि वही उसके लिए उसके डैड हैं। जिसके बाद सियाओ सोंग के पास आ जाती है। यहाँ वो कहती है वो कभी हार नहीं मानेगी। सोंग सियाओ को बताते हैं कि पिंक पैंथर ने उन्हें सब बता दिया और उन्होंने उसे 3 पॉइंट भी दिए। ये सुनकर सियाओ हैरान थी। जिसके बाद हम सभी को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखते हैं जहाँ सभी रेडी होकर उड़ जाते हैं, लेकिन सियाओ सबसे लास्ट जाती है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन अब जब वो उड़ती है उसे मजे आते हैं और अच्छा लगता है। दरअसल सियाओ ने उसके डैड की बातों को याद करा था। जिसके बाद सभी का जंगल में कैंप लगता है। वहीं उसके पास लियांग आकर पिंक पैंथर से बात करने को कहता है। लियांग पिंक पैंथर से पूछता है कि सियाओ को क्या हुआ है, वो बदली हुई क्यों लग रही है, वो उससे बात भी नहीं कर रही। पिंक पैंथर कहती है वो थोड़ी परेशान है बस। वहीं हम दूसरी तरफ सियाओ और सोंग को साथ देखते हैं। सियाओ सोंग से पूछती है LHSD से पहले वो क्या कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो पहले एक सिपाही थे। यहाँ सियाओ ये भी पूछती है कि क्या लियांग उनका इकलौता बेटा है। सोंग कहते हैं हाँ। वापस आने पर लियांग सियाओ से बात करने को कहता है, लेकिन वो तो करना ही नहीं चाहती थी। यहाँ सियाओ सीधा ब्रेकअप कर लेती है लियांग से, क्योंकि वो सोंग का बेटा था तो वो भाई बहन हो रहे थे। लियांग इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सोंग सभी को जंगल वाली ट्रेनिंग देता है, जहाँ उन्हें जंगल का 150 किलोमीटर का चक्कर लगाकर वापस आना था। जो सबसे पहले आता उसे 5 पॉइंट्स मिलने थे। सभी निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सियाओ को देखते हैं जो अकेली थी जंगल में और उसके हाथ पर किसी कीड़े ने काट लिया था, लेकिन सियाओ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं हम पिंक पैंथर और उसके दोस्त को देखते हैं जो एक साथ मिल जाते हैं और वापस आने लगते हैं। वहीं सियाओ को अब चक्कर आने लगे थे और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके गिरने से पहले लियांग वहाँ आ जाता है। वो उसके हाथ का निशान भी देखता है और कैसे तो उसे वापस लाने लगता है। उससे चला नहीं जाता तो वो सियाओ को अपने बैग पर उठा लेता है। वहीं पिंक पैंथर को उसका दोस्त बेवकूफ बनाकर पहले फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन लियांग और सियाओ बहुत देर तक नहीं आते तो सभी को उनकी फिक्र होने लगती है। वहीं लियांग कैसे तो सियाओ को अपने बैग पर उठाकर ला रहा था। कैसे तो ढके हारे लियांग सियाओ को जंगल से बाहर ले आता है। इसके बाद सियाओ को वहाँ के मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है। सियाओ को होश आता है तो वो याद करती है लियांग को कैसे वो उसे उठाकर जंगल से बाहर ला रहा था। इसके बाद ट्रेनिंग का दिन आ जाता है, जहाँ किसी को नहीं लगा था सियाओ भी आएगी, लेकिन वो आती है क्योंकि वो ठीक हो गई थी। इसके बाद क्लास में सोंग सभी को बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने क्लाइंट्स को कभी अकेला ना छोड़े। वो बताते हैं इसे वो उनका काम समझ कर ना करे, वो इसे फैमिली समझ कर करे। यहाँ पर सोंग सियाओ को देख कर रुक जाता है और याद करने लग जाता है कि कैसे उसने उसे बचाया था। साथ ही वो उसका चॉकलेट भी देख रहे थे। इसके बाद वहाँ से रेस जीती है। छोटी सी लियांग जब करता है तो सोंग उससे पूछते हैं कि उसे कितना टाइम लगा था छोटी सी दौड़ में। लियांग कहता है 10 सेकंड शायद, लेकिन पिंक पैंथर कहती है 40 सेकंड। यहाँ सोंग लियांग को डांटता है और कहता है वो बार बार शायद बोलना बंद करे, क्योंकि एक बॉडीगार्ड बार बार शायद पर टिका रहा तो वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सोंग सभी से कहते हैं कि उन्हें और तेज होना होगा, वरना किलर उन्हें वक्त से पहले मार सकता है। वहीं जाते वक्त सियाओ लियांग को जंगल में उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। लियांग सियाओ से कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम सर्वाइवल ट्रेनिंग में अपना ध्यान रखे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का टाइम देखते हैं, जहां लूसा सभी को कहती है उन सभी को 1 दिन का पानी और खाना मिलेगा। उन्हें 7 दिन जंगल में जिंदा रहना होगा और जिससे ये नहीं होगा वो कैंप से वापस अपने घर जा सकते हैं। लूसा कहती है उनके पास एक इमरजेंसी बटन है, मुसीबत में या कोई नदी प्रॉब्लम होने पर वो उस बटन को दबा सकते हैं। अब सभी को उनका बैग उठाने को कहा जाता है। इसके साथ साथ सभी को जंगल में कुछ छुपे हुए डिवाइस को ढूंढना भी था। इसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं और इस वक्त सभी अपने अपने अलग अलग रास्ते पर थे।
टाइम बीतता है, रात हो जाती है। सभी अपने रहने का इंतजाम भी खुद ही कर रहे थे। सियाओ ने तो आग भी जला ली थी। तभी उसके पास दो बंदे आते हैं और सियाओ से कहते हैं, तो उसे डिवाइस मिल गई। वो दोनों बंदे इसके पास आए ही हैं कि तभी कोई दूर से उन दोनों बंदों को मारता है, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि पिंक पैंथर थी। फिर दोनों आग जलाकर वहीं साथ बैठ जाते हैं। यहीं पिंक पैंथर सियाओ से कहती है, वो द हंगर गेम की तरह एडवेंचर कर रहे हैं। पिंक पैंथर कहती है, हमारा खाना ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेगा बस। आगे वो कहती है कि वो कामयाब जरूर होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां हम सियाओ की एक दोस्त को देखते हैं। वो मॉर्निंग अपने कैंप में उठी ही है कि वो दोनों लड़के जो रात को सियाओ के पास आए थे, वो उसके पास आ जाते हैं। लेकिन उन्हें कहां पता था वो जिसके पास आए हैं वो एक फाइटर है। लेकिन वो बंदे उसके पास आते उससे पहले ही उसकी दोस्त वहां जाती है और ये भी एक फाइटर ही है। जिसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर उन दोनों बंदों को खूब मारती है, इसलिए इन बंदों को भागना ही पड़ जाता है। वहीं सियाओ का एक दोस्त भी किसी को लूटने की तलाश में था। तभी वहां वो बंदे आ जाते हैं जिनमें से एक को वो लूट लेता है। दरअसल उन्हें बस कैसे भी 7 दिन तक जंगल में रहना था, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो दोनों बंदे बाहर ही चले जाते हैं। वहीं हम पिंक पैंथर और सियाओ को देखते हैं, जो एक साथ बैठी थी। यहाँ पिंक पैंथर सियाओ से लियांग के बारे में भी बात करती है। सियाओ कहती है कि अब लियांग से वो बात नहीं करेगी, उनके बीच कुछ नहीं है। पिंक पैंथर कहती है कि लियांग उसे दिल से पसंद करता है। वहीं हम लियांग को देखते हैं, जिसके करीब सियाओ का दोस्त था। दरअसल सियाओ का दोस्त लियांग को भी लूटने आया था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन लड़ाई ज्यादा आगे बढ़ती सियाओ और पिंक पैंथर आकर वो लड़ाई रोक देते हैं। फिर सभी साथ बैठते हैं। यहाँ सियाओ उन सभी से कहती है, वो मिलकर बहुत अच्छे से वो ट्रेनिंग पास कर सकते हैं, और ये आखिरी ट्रेनिंग आखिरी एग्जाम था। अब सभी मिलकर और खाना इकट्ठा करने को जाते हैं। अब पिंक पैंथर अपनी वॉच की मदद से और लोगों को भी ढूंढने लगती है, जिसके बाद उन्हें उनकी दो दोस्त मिल जाती है और वो दोनों भी इनके साथ शामिल हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे और लोग मिल जाते हैं। सभी का पानी खत्म होता है तो सियाओ नदी से पानी लाने का प्लान बनाती है। सभी नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहीं सॉन्ग को पता चलता है कि सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं हम रात को जंगल में देखते हैं, जहां सभी मिलकर बहुत मजे कर रहे थे। लूसा और चैन जब देखने आते हैं तो देखते हैं सभी बहुत खुश लग रहे थे। यहां लियांग सियाओ से बात करना चाहता था, लेकिन वो सही से बात नहीं करती तो वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। पिंक पैंथर को उसके लिए अच्छा नहीं लगता तो वो भी उसके पास आ जाती है। पिंक पैंथर लियांग से पूछती है कि क्या वो दुखी है। वो कहता है नहीं। पिंक पैंथर कहती है, कैंप खत्म होने वाला, फिर वो LHSD में होंगे। यहाँ कोई मुसीबत ना होने पर सॉन्ग उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का ऑर्डर देता है लूसा और चैन को। इसके बाद लूसा खुद ही सबको मारकर उनके डिवाइस लेने लगती है और उन्हें बाहर निकालने लगती है। वहीं चैन उनके बैग चुरा लेता है। मॉर्निंग उठते ही सभी परेशान हो जाते हैं। सियाओ का दोस्त तो लियांग से लड़ने लगता है। यहाँ सियाओ सभी से कहती है कि उनका खाना पीना चोरी हो गया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो सभी मिलकर साथ काम करेंगे। सियाओ को पता चल गया था वो लोग उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूर से चैन और लूसा इन पर नजर रखे हुए थे और वो छुप कर हमला करने का सोचते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। लूसा को सियाओ की एक दोस्त अकेली मिलती है तो वो उस पर हमला करने जाती है। इसके बाद हम चौथे दिन का वक्त देखते हैं, जहां सभी लूसा को फंसाने का प्लान बनाते हैं। एक बंदा लूसा को बेवकूफ बना भी देता है, जिसके बाद सियाओ लियांग उनके दोस्त सभी मिलकर लूसा पर हमला करते हैं। जब सभी लूसा के पास थे तभी कैंप पर जो लोग थे वो खतरे में आ जाते हैं। सभी कैंप के लिए भागते हैं। उन सभी को पता चलता है कि उनका कैंप ही नहीं बचा है, लेकिन अब भी 2 दिन बचे थे उस ट्रेनिंग इस एग्जाम को पास करने के लिए। सियाओ सभी से कहती है वो अभी हार नहीं मानेंगे। 5वां दिन भी आ जाता है। सभी खुद को बचाने के लिए प्लान बना रहे थे। वहीं लूसा और चैन इन पर नजर रखे हुए थे। ऐसे ही रात भी हो जाती है। रात को लियांग सियाओ के पास आता है तो सियाओ उसे उससे दूर जाने को बोलती है। लियांग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसी के पास बैठ जाता है। इस एक सीन देखते हैं, जहां सियाओ और बाकी दोस्त सभी थके हारे बैठे थे, क्योंकि अब उनके पास कोई रहने लायक जगह ही नहीं बची थी। लेकिन उन्हें अब भी 2 दिन वहां रुकना था, इसीलिए सियाओ सबको हार मानने से भी मना करती है और कहती है कि उसे चॉकलेट मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तभी उसका एक दोस्त याद करता है उसने चॉकलेट खाने वाले
बैग से निकाल ली थी, जिसके बाद वो उस चॉकलेट को सियाओ को खाने को दे देता है। सियाओ पिंक पैंथर को देती है और पिंक पैंथर आगे दोस्तों को। तभी सभी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाते हैं, लेकिन लियांग नहीं खाता। इसके बाद सातवां दिन भी आ जाता है और सभी को लगता है उन्होंने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। लूसा और चैन के साथ जब वो सभी बाहर जाते हैं तो सीनियर लीडर सॉन्ग उन्हें बताते हैं कि अभी उन्हें एक और परीक्षा को पास करना होगा। सभी कहते हैं कि उन्होंने तो इस बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था। सॉन्ग कहते हैं उन्हें कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये उनकी आखिरी परीक्षा थी, ये आखिरी सर्वाइवल परीक्षा थी बस। इसीलिए सभी को एक रूम में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि इस बार उन्हें सच में उनके सीनियर की रक्षा करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बाहर हो जाएंगे। जिसके बाद जब सभी वहां से जाने लगते हैं तो सियाओ उनके उस सीनियर को रोक लेती है, क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था परीक्षा कब से शुरू होगी। इसलिए वो तो तभी से उनकी रक्षा करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो हारे। जिसके बाद सभी उनके साथ जाते हैं। उनके रूम में जाने से पहले उनका पूरा रूम अच्छे से चेक करते हैं। यहाँ सभी LHSD में जाना चाहते थे, लेकिन सियाओ का मकसद था उनके बायोलॉजिकल डैड को हराना, जिन्होंने उसे उसकी मॉम के साथ बचपन में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद सियाओ तो उनके सीनियर के गेट के आगे कुछ दोस्तों को उनका ध्यान रखने के लिए भी छोड़ देती है। इसके बाद हम पिंक पैंथर को देखते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट की जानकारी निकाल रही थी ताकि उनके सीनियर को वहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर लियांग कुछ चीजें बताने लगता है तो सियाओ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने दूसरे दोस्तों की बातें सुनती है। दरअसल लियांग बता रहा था कि किलर कहाँ से आ सकता है। वहीं लूसा का प्लान था कि उन सभी की गाड़ियों को रोककर उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाए। वहीं लियांग भी सभी को बता रहा था कि अगर सियाओ की दोस्त की बात मानी तो कोई भी उनकी गाड़ी रोक सकता है, लेकिन सियाओ नहीं सुनती। वहीं चैन लूसा को स्नाइपर रखने का ऑफर देता है। वहीं सियाओ और उसके दोस्त सोचने लगे थे कि उनके सीनियर को वो लिफ्ट से लेकर जाएंगे या सीढ़ियों से। सियाओ के दोस्त खिड़कियां दरवाजे सभी की जानकारी निकालते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा था वहाँ स्नाइपर भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही सीनियर रूम से बाहर निकलता है, सभी लोग बाहर ही खड़े थे उनकी रक्षा के लिए। सभी उन्हें अच्छे से कार में बैठाते हैं और उनके साथ निकल जाते हैं। साथ ही चैन भी उन पर नजर रखे हुए था। वो लूसा को पूरी जानकारी दे रहा था कि वो लोग कहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि इनका काम था उन्हें रोकना। जिसके बाद हम देखते हैं लूसा जैसे ही होटल पहुँचती है, वहाँ उसे पता चलता है उसकी तो कोई बुकिंग ही नहीं है, क्योंकि पिंक पैंथर ने लिस्ट से उसका नाम ही हटा दिया था। वापिस आने पर लूसा चैन को बताती है कि उन लोगों ने उसका कमरा ही बदल दिया है, इसलिए उन्हें प्लान बदलना होगा। वहीं हम सियाओ और बाकी सभी को सीनियर के साथ मॉल में देखते हैं। वहीं एक शॉप पर जाने से पहले सियाओ वहाँ चेकिंग करती है, जिसके बाद पेमेंट करने के लिए वो लेडी उन्हें एक नई मशीन देती है तो सियाओ उसे रोक देती है और कहती है सभी कस्टमर को उसने पुरानी मशीन दी, उन्हें नई मशीन क्यों दी। वो लेडी कहती है वो पुरानी वाली से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद तो वो लोग सीनियर को बाथरूम में भी नहीं छोड़ते, लेकिन बाथरूम में सिर्फ सियाओ का दोस्त जाता है। तभी वहाँ लूसा आकर उसे बहुत मारती है। बाकी दोस्त बाहर थे। तभी लियांग अंदर आता है और पहले सीनियर को बचाता है। वहीं लूसा के मारने पर सियाओ का दोस्त लूसा को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और लूसा को मारने जाता है। वहीं पार्किंग में बाकी दोस्तों को चैन मिल जाता है, जिसने उनके कुछ साथियों को बेहोश कर दिया था। लियांग और सियाओ उससे लड़ाई में तो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन तभी पिंक पैंथर चैन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, वो बेहोश हो जाता है। सभी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन चैन और लूसा पर कुछ दोस्त नजर रखे हुए थे उन्हें हटकड़ी लगाकर, लेकिन चैन खुद को छुड़ा लेता है और उन लोगों को मारता है, लेकिन लूसा अब भी बेहोश होती है। इसके बाद सभी लोग सीनियर को बचाकर सॉन्ग के पास ले आते हैं। जहां सॉन्ग हाथ मिलाने जाता है तो सियाओ उन्हें रोकती है और कहती है कि अब भी कोई किलर बचा ही हो सकता है, उन्हें भरोसा नहीं उन पर। यहां पर सॉन्ग कहते हैं वो सभी अब LHSD में हैं। सभी खुश होकर खाना खाने जाते हैं। तभी वहां चैन आ जाता है और सियाओ के दोस्त को पकड़कर कहता है लूसा को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम सभी को मेडिकल रूम के बाहर देखते हैं, जहां लूसा का इलाज चल रहा था। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि लूसा ठीक है और वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट था। यहां सभी के जाने के बाद चैन सियाओ के दोस्त से कहता है कि वो गुस्से में था उस वक्त, इसीलिए वो उसे माफ कर दे और अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दे। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं, जो सभी को बताते हैं कि पांच लोग LHSD में आज कोई होंगे ऑफिशियली। पहली सियाओ थी, दूसरा लियांग, तीसरा जैन यान, चौथी माली और पांचवे नंबर पर थी क्यूई तियांग काई, यानी पिंक पैंथर। सियाओ का दोस्त कहता है उसे निकाल दिया गया, ये कैसे हो सकता है। यहाँ जो बहुत ज्यादा सॉन्ग के ऊपर चिल्लाने लगता है,
उसे रोकता है तो जो उस पर चिल्लाता है। जो कहता है वो उसके डैड हैं, इसलिए उसे उन्होंने नहीं निकाला। सियाओ उसे रोकती है। जो कहता है ये सही फैसला नहीं है। जो सियाओ को भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन सियाओ नहीं चाहती, इसलिए जो गुस्सा होकर चला जाता है। जब वो अपने कपड़े रख रहा था, उसके पास सियाओ आती है और जो को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो बाद में वहाँ सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन जो कहता है उसे LHSD में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सियाओ उसे ये भी बताती है कि वो लियांग के लिए यहाँ नहीं रुक रही। वो कहता है फिर वो क्यों रुक रही है। सियाओ कहती है वो अभी नहीं बता सकती, लेकिन वो उसे जरूर बताएगी। जू यहाँ से गुस्से में चला जाता है। जाते हुए जू वो पल याद करता है जो उसने यहाँ सभी के साथ बिताए थे। वो इमोशनल हो जाता है। जाते हुए गुस्से से जू कहता है कि वो LHSD से बदला जरूर लेगा। इसके बाद लूसा और चैन भी सॉन्ग से उसका फैसला बदलने को कहते हैं, लेकिन सॉन्ग नहीं सुनता। सॉन्ग कहते हैं एक बॉडीगार्ड के लिए उसके फीलिंग का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद LHSD के पांचों मेंबर की फोटो ली जाती है। सभी बहुत खुश थे। यहाँ पर सभी दोस्त कहते हैं कि वो इस ट्रेनिंग के बात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। यहाँ लियांग सियाओ से कहता है उसे लगता है वो बदल गई है। साथ ही वो पूछता है ऐसा क्यों है, वो इतनी बदली क्यों? सियाओ नहीं बताती। यहाँ पर सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी चैन उन्हें बताता है कि वो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अब भी वो पूरी तरह से बॉडीगार्ड नहीं बने हैं। सियाओ पूछती है क्यों? चैन कहता है अभी उन्हें और भी बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद सभी को एक सीनियर गार्ड दिखाया जाता है जिसका नाम योंग था। जिसके बाद सभी को उनका ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें ट्रेनिंग देने वाला एक बंदा फैंग भी दिखाया जाता है, जहाँ बहुत देर तक वो उन सभी को देखता ही रह जाता है। यहाँ फैंग सभी को नाम देता है। सबसे पहले सियाओ की दोस्त को टेबल फिश का नाम देता है, सियाओ को ड्रैगन फ्रूट का, माली को स्टिगर भी, पिंक पैंथर को तो पिंक पैंथर का नाम मिलता है। अब सभी को उनके दिए गए कार्ड पर उनके मिशन भी लिखे थे। डेविल फिश के कार्ड पर था एक 8 साल के बच्चे की रक्षा करना जिसके मॉम डैड अब्रॉड गए हुए हैं। सियाओ का मिशन था दो प्यार करने वालों को मिलाना। स्टिगर भी को मिला था एक लेडी जिसका डिवोर्स होने वाला है उसकी रक्षा करना। पिंक पैंथर को 15 साल की एक रिच लड़की की रक्षा करनी थी। लियांग कहता है उसे एक आदमी की रक्षा करनी है जिसने लॉटरी जीती है। लियांग कहता है कैसा मिशन है। वहीं हम चैन को देखते हैं जो लूसा के पास आया है और उसे कहता है कि उन्हें वापस से अब साथ आ जाना चाहिए, लेकिन लूसा कहती है अब उनके बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं है और चली जाती है। इसके बाद डेविल फिश तो अपने मिशन पर निकल जाती है, जहां उसे एक बच्चा मिलता है और ये एक छोटा लड़का था जो डेविल फिश को देख कर कहता है कि उसे नहीं लगता वो उसकी रक्षा कर सकती है। दरअसल वो हील्स पहन कर आई थी, इसीलिए उस लड़के ने ऐसा कहा था। वहीं हम सियाओ को देखते हैं जो लियांग के साथ कार चोरी करने वाले दिन को याद करती है। तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है और वो सियाओ से कहता है कि वो उससे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही। तभी वहाँ पिंक पैंथर आ जाती है। यहाँ पिंक पैंथर लियांग से कहती है कि वो कहीं जा रहे हैं, वो भी उनके साथ चलना चाहता है। लियांग कहता है गाड़ी वो चला सकता है। गाड़ी में जाते वक्त तीनों अपने मिशन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि सभी को अलग अलग जगह जाना था। पिंक पैंथर को तो एक स्कूल में जाना था। सियाओ का स्टॉप आ जाता है। सियाओ उस लड़के से पूछती है उसने उसके प्यार की रक्षा करने के लिए LHSD में कॉन्टैक्ट क्यों कर दिया, क्या उससे उसकी रक्षा नहीं हो रही। वहीं गाड़ी में पिंक पैंथर लियांग से पूछती है कि अब भी सियाओ बात नहीं कर रही। लियांग कहता है नहीं, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। वहीं हम ली को एक लेडी के साथ देखते हैं, जो लेडी उससे कॉफी मांगती है, जैसे वो गार्ड ना हो वेटर हो। वो लेडी ली से कहती है उसे उसकी रक्षा करनी होगी। वहीं हम पिंक पैंथर को देखते हैं, तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो पिंक पैंथर को देखकर कहती है क्या वो बॉडीगार्ड है। वो लड़की कहती है उसने बॉडीगार्ड वाला सूट क्यों नहीं पहना, क्या उसने किंग्समैन मूवी नहीं देखी। यहाँ तभी उस लड़की की दोस्त आ जाती है और उस लड़की से कहती है क्या वो उसकी बॉडीगार्ड है। वहीं लियांग का क्लाइंट तो बार बार अपनी जगह चेंज कर रहा था। लियांग एक होटल जाता है तो उसका क्लाइंट उसे कॉल करके एक टेबल पर भेजता है और एक नोट देखने को कहता है। लियांग कहता है क्या वो मजाक कर रहा है। एक रूम में लियांग आता है, तभी बाहर एक गार्ड आता है। दरअसल यही क्लाइंट था। ली तो परेशान हो गई थी, इसलिए तैयार होकर फैंग के पास आती है और उसे नया मिशन देने को कहती है, लेकिन वो नहीं देता। वहीं सियाओ अपने क्लाइंट से परेशान थी, क्योंकि वो अभी तक सियाओ से बातें ही कर रहा था। सियाओ पूछती है वो और उसकी गर्लफ्रेंड कब से साथ है। वो कहता है 11 दिन से। सियाओ उसकी गर्लफ्रेंड से बात करती है तो वो तो बात करना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद लूसा सियाओ के पास आकर कहती है किसी ने LHSD में शिकायत करी है, जो कि आज तक नहीं हुआ है। सियाओ कहती है वो अब वहाँ
ऑफिशियली बॉडीगार्ड है, इसलिए वो चिल्ला नहीं सकती। वो लड़ाई करने वाले थे तो सॉन्ग ये देखकर उनके पास आते हैं, जिसके बाद सॉन्ग को सियाओ बताती है उसे कैसा मिशन दिया गया था, प्यार की रक्षा करना, जबकि वो लड़की बात तक नहीं करना चाहती। सॉन्ग कहते हैं कि ऐसे केस भी आते हैं, इसीलिए उसे ये करना होगा। सियाओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम गार्ड को लियांग के साथ देखते हैं, जो लियांग को बता रहा था लॉटरी जीतने के बाद उसका एक भी दिन अच्छा नहीं गया। लियांग कहता है उसने 5 मिलियन जीते हैं तो उसे क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा कहता है इसी बात का तो डर है लोग उससे वो छीन ना ले। दरअसल इस बंदे ने 8 मिलियन से ज्यादा तो उधार कर रखा था। लियांग कहता है उसमें वो उसकी क्या मदद करे। वहीं हम ली सियाओ पिंक पैंथर को साथ देखते हैं, जहां सियाओ अपने मिशन की ही बात कर रही थी। वो उसके डैड के कैफे आई हुई थी। ली बताती है उसकी क्लाइंट तो बिल्कुल ही पागल थी, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सियाओ के डैड सभी से पूछते हैं उन्हें कैसे मिशन चाहिए। ली कहती है कोई सेलिब्रिटी जिसकी उन्हें रक्षा करनी हो। यहाँ सियाओ के डैड उन्हें समझाते हैं कि वो उनकी जगह होते तो उन्हें समझ आ सकता था, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। एक लेडी जिसका डिवोर्स हुआ है, एक लड़का जो किसी से प्यार करता है, हो सकता है तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं हो, पर उनके लिए यह बड़ी बात है। इसके बाद सियाओ अपनी एक दोस्त से मिलने आती है, जिसे एक छोटे लड़के की रक्षा करनी थी। इसके बाद सियाओ चैन के साथ कैफे में आती है। चैन पूछता है क्या हुआ। सियाओ कहती है कि उसे उसके क्लाइंट के लिए एक लड़की ढूंढनी है। चैन कहता है कि क्या वो चाहती है वो उसके पास चला जाए। सियाओ कहती है लूसा को वहाँ भेज दे। सियाओ को कहाँ पता था लूसा को तो वो पसंद करता है। वहीं ली भी उसके क्लाइंट के घर आ गई थी। यहाँ वो लेडी भी ली से माफी मांग लेती है। ली पूछती है कि आखिर वो डिवोर्स क्यों लेना चाहती है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और वो उस लेडी से कहता है उससे तो वो रात को बदला लेगा, और वहाँ से चला जाता है। ली समझ जाती है उसका हस्बैंड उसे मारता है। वहीं हम यान के डैड को देखते हैं, जो उसे ढूंढते हुए उसकी शॉप पर आते हैं। इसके बाद जब सियाओ और पिंक पैंथर साथ थे तो सियाओ उससे पूछती है वो LHHD में ज्वाइन क्यों नहीं हुई। वो कहती है उसे कुछ तो करना था तो उसने यही करने का फैसला कर लिया। पिंक पैंथर जब स्कूल जाती है तो उस लड़की से पूछती है क्या वो अब भी उस पर भरोसा नहीं करती। वहीं डेविल फिश को तो वो छोटा लड़का उसे पसंद करने लगा था, जिसके बाद सियाओ डेविल फिश को ही अपने क्लाइंट के लिए बुलाती है डेट के लिए, जहाँ डेविल फिश के साथ वो छोटा लड़का भी आया था। जिसके बाद सियाओ उस छोटे लड़के की मदद से उसके दोस्त पर नजर रखती है। दरअसल वो मॉल में आए थे उस लड़के की गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए। ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसे कॉल भी करती है। यहाँ पर वो लड़की उस लड़के से कहती है वो उसे पसंद करती है, जिसके बाद वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। जिसके बाद हम जू को देखते हैं, जो अपने घर में सो रहा था। तभी वहाँ सियाओ आ जाती है। यहाँ जू सियाओ से कहता है वो उसे पसंद करता है। सियाओ कहती है उसने हमेशा उसे अपना भाई समझा है। यहाँ जू अकेला रहना चाहता था तो सियाओ उससे कहती है वो उससे मिलने के लिए आएगी। हम लियांग को देखते हैं, जो अपने क्लाइंट को छुपा कर होटल से जा रहा था। तभी उस बंदे को उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है उसकी मॉम बीमार है, लेकिन उसे लग रहा था ये नाटक हो सकता है। वहीं ली झांगयान को उसके स्टोर से कॉल करती है। उसे बताया जाता है उसके डैड वहाँ आए थे। हमें पता चलता है वो उसके डैड नहीं, जो वहाँ आया था वो उसका हस्बैंड था, जिसे यान ने डिवोर्स दे दिया था। क्लाइंट के घर आने पर यान देखती है सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में जाकर यान उसके हस्बैंड को मारती है। लियांग उसके क्लाइंट को समझा रहा था उसकी माँ सच में बीमार होगी तो वो क्या करेगा, उसे उसकी मॉम के पास जाना चाहिए। वहीं हम सियाओ को बार में उसके दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ जू भी आता है, वो दूर खड़ा ही था। तभी वहाँ लियांग को भी देख लेता है, जिससे उसे अच्छा नहीं लगता, और वो दूसरी जगह आकर बहुत ड्रिंक करता है और सियाओ को याद करता है, जहाँ सियाओ ने उसे हमेशा मना ही किया था। इसके बाद जू जब पैसे देता है तो वो ज्यादा पैसे देता है। ये देखकर कुछ बंदे सोचते हैं वो अमीर है और उसे रास्ते में रोकते हैं, और जू नशे में था इसीलिए वो बंदे उसे मार कर लूट कर चले जाते हैं। जू रो रहा था और अब भी सियाओ को ही याद कर रहा था। यहाँ वो कहता है वो सियाओ को नहीं भूलेगा। यहाँ हम किसी को उसके ऊपर नजर रखता हुआ देखते हैं, लेकिन दिखाया नहीं जाता वो कौन है। दूसरी तरफ लियांग अब भी सियाओ से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती थी। वहीं जू घर आता है, जहाँ उसे किसी का कॉल आता है और उसे कोई मिलने को कहता है। वहीं यान की क्लाइंट के हस्बैंड ने LHHD से मुआवजा मांगा था बहुत ज्यादा, क्योंकि यान ने उसे मारा था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। यान सॉन्ग से कहती है वो खुद इससे लड़ेगी, इसलिए वो रिजाइन देने का कहती है। सियाओ उसे रोकती भी है और कहती है वो उसके साथ है, वो हार ना माने,
वो मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे। इसके बाद तो पिंक पैंथर उस लेडी के हस्बैंड की पूरी जानकारी निकाल देती है। यहाँ तक कि ब्लड ग्रुप भी, यूनिवर्सिटी भी, अब सभी दोस्त मिलकर लू को फंसाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद तो सियाओ और पिंक पैंथर लू पर नजर रखती हैं, उसे दूसरी लड़कियों से मिलता देखती हैं, उनके साथ में फोटो खिंचाती हैं। ये सारे फोटोज ये लोग उसकी वाइफ को दिखाते हैं। उसे तो विश्वास ही नहीं होता, वो उसे धोखा दे रहा था। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स के लिए कह देती है। इसके बाद सियाओ उसके दोस्त लू को बुलाते हैं और उसके अफेयर के बारे में बताते हैं, तो वो प्यार से बात करने को कहता है। तो वो लोग डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहते हैं, जिसके बाद डिवोर्स हो ही जाता है। यान उस लेडी से कहती है वो उसे बुरे सपने की तरह भूल जाए। इसके बाद लूसा पिंक पैंथर को एक नंबर का पता लगाने को कहती है, जिसके बारे में वो सियाओ को भी बताती है। इसके बाद सियाओ एक जगह आती है, हमें पता चलता है जो यान है उसकी एक बेटी है और वो इसीलिए कॉल किया करती है। वहाँ जो लेडी थी वो बताती है कि जो यान का हस्बैंड था वो किसी और लड़की के साथ रहा करता था। ये सब जानकर सियाओ को यान के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये सारी बातें सियाओ सॉन्ग और सभी को बताती है और बताती है वो बस अपनी छोटी सी बेटी से बात करने के लिए कॉल किया करती है। चैन कहता है उसे सब पता था लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि उसने यान से वादा किया था। लूसा गुस्से से बाहर जाती है तो चैन भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है। लूसा उससे कहती है उसने पहली बार ऐसा नहीं किया है, तो चैन चिल्लाकर कह ही देता है आखिर वो चाहती क्या है। लूसा उसे छाता मार देती है। लूसा कहती है उसके लिए वो एक अच्छा इंसान नहीं है। जब चैन उदास समुंदर किनारे बैठा था तो उसके पास सियाओ आती है, तो चैन उसे कहता है किसी के लिए वो एक बुरा इंसान है। सियाओ कहती है ऐसा क्या कह दिया उसने, दम हुआ था। यहाँ सियाओ चैन को परेशान और दुखी देखती है तो वो उसे एक जगह ले आती है, जिसके बाद हम चैन को जिम में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद चैन को भी अच्छा लगता है। चैन सियाओ से कहता है बॉक्सिंग सच में सब कुछ भुला देती है। सियाओ कहती है वो जब भी गुस्सा और दुखी होती है तो उसका सारा गुस्सा वो ऐसे ही निकालती है, जिससे उसे अच्छा लगता है। यहाँ चैन सियाओ से पूछता है आखिर उसने जियांग सॉन्ग को चैलेंज क्यों किया है। सियाओ कुछ कहती नहीं। यहाँ सियाओ चैन से कहती है उसे लूसा से अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन चैन कहता है वो हमेशा गुस्से में ही रहती है। सियाओ कहती है जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी होता है, लेकिन चैन तो सियाओ की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में सियाओ के डैड को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी बीमारी अभी थोड़ी कंट्रोल में है और डॉक्टर ये भी कहता है अगर वो अपना ध्यान रखेंगे तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। रात को सियाओ उसके डैड से मिलने आती है। अभी उसके डैड ने उसे उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। यहाँ सियाओ डैड से कहती है कुछ दिन वो अपने मिशन पर रहेगी। सियाओ कहती है उसे किसी को अपने होम टाउन लेकर जाना है। डैड पूछते हैं क्या वो अकेली जा रही है। सियाओ कहती है नहीं, लियांग भी उसके साथ होगा। यहाँ डैड सियाओ के लिए अच्छे कपड़े लाए थे, जिसे पहनने के बाद वो उससे कहते हैं वो अच्छी लग रही है। इसके बाद रात को हम बार का सीन देखते हैं, जहाँ लियांग सियाओ और उनके दोस्त साथ में डांस कर रहे थे। यहाँ पिंक पैंथर सियाओ से कह रही थी कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। दरअसल यहाँ पिंक पैंथर ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। यहाँ सियाओ लियांग को पिंक पैंथर को घर छोड़ने के लिए कहती है। तभी सियाओ की दोस्त उससे कहती है वो लियांग को ऐसे कैसे छोड़ सकती है, अगर वो करती है उससे प्यार तो वो उससे कहती क्यों नहीं। सियाओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वहीं हम पिंक पैंथर को देखते हैं, जो लियांग को रोक कर उससे कहती है सियाओ अब उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसे अब किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। लियांग कहता है ये सच है, वो उसे भूलना चाहता है लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। रात को हम यान को देखते हैं, जिससे मिलने उसका हस्बैंड आता है और वो आते ही यान से कहता है कि वो उसके पास वापस आ जाए। यान उससे कहती है कि अब वो उसे परेशान करना बंद कर दे क्योंकि वो अब पहले जैसे यान नहीं है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ सियाओ और लियांग को उनके क्लाइंट को उसके होम टाउन लेकर जाना था, जिसके बाद वो निकल जाते हैं और वो बंदा तो कार में आते ही सो जाता है। यहाँ सियाओ लियांग से कहती है वो पिंक पैंथर के साथ रह सकता है। लियांग कहता है वो ये उसके ऊपर छोड़ दे, वो किसे पसंद करता है और किसे नहीं। तभी क्लाइंट भी उठकर उनसे कहता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है क्या। सियाओ और लियांग साथ में कहते हैं इससे उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए वो अपनी सीट पर बैठे। अब जाते
चलते वक्त वो लोग एक सुपरमार्केट में रुकते हैं क्योंकि क्लाइंट को उसकी मॉम के लिए कुछ खाने के लिए खरीदना था। तभी सियाओ की वहाँ एक लेडी से टक्कर हो जाती है और तभी उसके क्लाइंट को गिराकर भाग जाता है। वहीं लियांग को कोई गाड़ी पार्क ही नहीं करने दे रहा था। वहीं दो बंदे क्लाइंट का सामान लेकर भाग रहे थे तो सियाओ उन्हें मारती है क्योंकि वो सियाओ को लड़की समझकर काफी हल्के में ले रहे थे। लेकिन यहाँ सियाओ को एक चाकू लग गया था। जब सियाओ बैग वापस लाती है तो लियांग देखता है उसके हाथ में चोट लगी थी, लेकिन क्लाइंट को तो यहाँ पैसों की ही पड़ी हुई थी। सियाओ उस बंदे से कहती है उसकी मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी, उसे उसकी मॉम की फिक्र होनी चाहिए। वहीं हम पिंक पैंथर को देखते हैं जिसे पता चलता है कि सियाओ और लियांग साथ मिशन पर गए हैं। वो थोड़ी परेशान हो जाती है, जिसके बाद जब वो उस लड़की के साथ जा रही थी जिसकी वो बॉडीगार्ड बनी थी, तभी एक बंदा आकर उस लड़की का फोन लेकर भाग जाता है। कैसे तो पिंक पैंथर उसे पकड़ती है। वो लड़की कहती है वो बहुत ज्यादा कूल है। यहाँ हम देख पाते हैं जो लड़की पिंक पैंथर को पहले पसंद नहीं करती थी अब पसंद करने लगी थी। यहाँ पिंक पैंथर को परेशान देख वो लड़की कहती है वो दुखी है तो छुट्टी ले सकती है। पिंक पैंथर उससे कहती है वो किसी लड़के को पसंद करती है और दूसरी लड़की भी उसे पसंद करती है तो वो क्या करेगी। वो लड़की कहती है अगर पसंद हुआ तो वो उसे नहीं जाने देगी और कोशिश करेगी। वहीं सियाओ और लियांग एक जगह पहुंचते हैं तो वहां उन्हें दो बंदे कहते हैं उसकी माँ ने उनसे 50,000 उधार लिए थे। दरअसल यहाँ वो बस पैसे लूटने आए थे। लियांग से डर कर वो भाग जाते हैं। यही हम कुछ बंदे के ग्रुप को देखते हैं जो मिलकर लियांग के क्लाइंट से पैसे लूटना चाहते थे। हॉस्पिटल आने पर उस बंदे को उसकी मॉम नहीं दिखती तो नर्स कहती है कि पैसे नहीं थे तो वो वहाँ से चली गई। अब वो लोग गाड़ी से जा ही रहे थे तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोग आ जाते हैं। सियाओ और लियांग उन सभी को बहुत मारती हैं, जिसके बाद सियाओ उस बंदे के साथ उसके घर पर जाती है जहाँ उसकी बहनें उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। उसकी बहनें कहती है जब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही इसीलिए वो अपने पैसे ले और वहाँ से निकल जाए। ये सब सुनकर उसके हाथ से पैसे का बैग छूट जाता है और वो वहीं बैठकर रोने लगता है। सियाओ को भी उससे बहुत दुख होता है, वो भी अपनी मॉम को याद करती है। तभी लियांग उसके पास आता है। लियांग सियाओ को दुखी होने से मना करता है और कहता है ये जिंदगी बहुत छोटी है, प्यार करने का दूसरा मौका नहीं मिलता, इसलिए जो समय है उसे प्यार से जी लेना चाहिए। इसके बाद हम यान को देखते हैं जो जियोंग से LHSD छोड़ने को कहती है तो जियोंग उसे मना करता है और कहता है वो बहुत मुश्किलों के बाद वहाँ पहुँची है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जियोंग यान से कहते हैं वो उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठाएंगे इसीलिए वो उसकी फिक्र ना करे। वहीं हम पिंक पैंथर के साथ उस लड़की को देखते हैं जिसका आज स्कूल का आखिरी दिन था। वो कहती है कि उसे पिंक पैंथर की याद आएगी क्योंकि पिंक पैंथर का मिशन भी यहाँ खत्म हो ही जाएगा। दोनों यहाँ गले मिलते हैं, पिंक पैंथर वहाँ से चली जाती है। वहीं डेविल फिश का भी मिशन खत्म हो चुका था। छोटा लड़का कहता है उसे उसकी याद आएगी। वहीं यान भी उसकी बेटी से मिलने गई थी, उसे भी LHSD बुलाया जाता है। वहीं सियाओ और लियांग के साथ वाला बंदा कहता है वो पैसों को अच्छे काम में लगाएगा। अब सियाओ और लियांग को भी LHSD वापस आना था। अब सभी LHSD वापस आ जाते हैं जहाँ स्क्रीन पर कुछ वीडियोस चल रही थी। दरअसल उन सभी से कहा था कि ये सब उन्हें प्राइवेट रखना है, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी वीडियोस बना ली थी। जियोंग सभी से कहते हैं उन्हें इसका पता लगाना होगा, कोई उनकी वीडियोस वायरल कर रहा है, शायद उनका कोई मकसद भी हो सकता है। वहीं हम जू को देखते हैं जो एक जगह आया था जिसने उसे कॉल किया था उस बंदे से मिलने, और ये जगह भी LHSD जैसी ही लग रही थी। यहाँ जू एक बंदे से मिलता है जो कहता है कि उनका दुश्मन तो एक ही है LHSD, तो क्या वो उसका साथ देना चाहेगा। वो बंदा कहता है रॉक सिक्योरिटी का बॉस है। यहाँ जू उस बंदे का साथ देने के लिए मान जाता है। वहीं हम लियांग और सियाओ और उसके दोस्तों को साथ देखते हैं जहाँ वो सोच रहे थे कि जू भी रॉक सिक्योरिटी में होगा, लेकिन सियाओ को ऐसा नहीं लगता था। यहाँ फैंग उन्हें एक नया मिशन देता है जिस टीम का लीडर वो सियाओ को बनाता है। यहाँ सभी बात करने लगते हैं कि आखिर वो लोग कौन होंगे। पहले वो लोग सोचते हैं शायद कोई सरकारी अधिकारी होगा। तभी LHSD में एक कपल पहुंच जाता है। फैंग सभी लोगों को उस कपल से मिलवाता है, जिसके बाद हम सभी को उनके साथ जाता हुआ कार से देखते हैं। अब जिस जगह उस कपल को जाना था उनके जाने से पहले सियाओ और बाकी सब उस विला को चेक करते हैं। वहीं दूर हम किसी को उस विला पर नजर रखते हुए देखते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं उस कपल की एक छोटी सी बेटी भी थी जो कहीं और थी। इसके बाद रात को पिंक पैंथर सियाओ से पूछती है उसे सच में लियांग नहीं पसंद है, तो वो कहती है नहीं। तभी उसके पास लियांग आ जाता है तो सियाओ वहाँ से चली जाती है। इसीलिए पिंक पैंथर और
लियांग साथ में घूमने लगते हैं। रात को पिंक पैंथर जब सियाओ के साथ बैठी थी वो तब भी लियांग के बारे में ही सोचती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब लियांग और पिंक पैंथर उनके क्लाइंट के साथ जा रहे थे कि तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है, लेकिन वो तो बस फोटो लेने आया था क्योंकि उसने इस लेडी को टीवी पर देखा था। वहीं सियाओ और उसके दोस्त उस आदमी के साथ आए हुए थे। जहाँ सियाओ को एक बंदे पर शक होता है तो वो उसका पीछा करती है, लेकिन बीच में गाड़ी आने की वजह से वो कहीं गायब हो जाता है। वहीं हम चैन और लूसा को भी कुछ लोगों के ऊपर नजर रखता हुआ देखते हैं, जहाँ एक बंदा लूसा से बचने की कोशिश करता है लेकिन लूसा उसे पकड़ ही लेती है। लेकिन वो बंदा लूसा से कहता है उसे कुछ लोग ने उनकी टीम में आने को कहा था लेकिन वो नहीं आया। वहीं वापस आते वक्त पिंक पैंथर बेहोश होने लगती है, लियांग उसे संभालता है। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में चैन और लूसा को देखते हैं। लूसा कहती है जो लोग LHHD में सेलेक्ट नहीं हुए वो जरूर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे होंगे, उसे ऐसा लगता है। चैन भी कहता है वो जू पर नजर रख रहा है। इसके बाद सियाओ को लेटर मिलता है जिसे आयरन करने पर उसमें एक ब्लड हैंड छुपा हुआ था, जिसके बाद सभी दोस्त उस लेटर के बारे में बात करने लगते हैं। सियाओ सभी को और भी ज्यादा सतर्क होने को कहती है। वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी सभी सिक्योरिटी कर रहे थे। उसे रात को बुरे सपने आने लगते हैं, वो डरा हुआ था। वहीं हम लूसा को एक जंगल में देखते हैं जहाँ तभी उसे कोई गोली मार देता है, लेकिन ये सब लूसा का सपना था। तभी चैन जू को देखता है और उस पर नजर रखता है, जिसके बाद चैन वापस आ जाता है। लूसा की आँख खुलती है तो वो उसके ऊपर चैन का कोट देखती है। वहीं पिंक पैंथर सभी से कहती है कोई तो उनके आसपास है, तो लियांग और सियाओ बाहर आ जाते हैं। जो भी बंदा बाहर था वो विला पर उस बंदे को देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। सियाओ उस बंदे के पीछे भागती है। अब जिस चीज से उस बंदे ने हमला किया था उसी से उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। पिंक पैंथर कहती है जरूर ये वार्निंग देने का तरीका है। सियाओ कहती है कपल उनसे कुछ तो छुपा रहे हैं। सियाओ उन लोगों से बात भी करती है और पूछती है आखिर बात क्या है। वो कहते हैं उन्हें कुछ धमकियां पहले भी मिली हैं। सियाओ कहती है फिर उन्होंने पुलिस को नहीं बताया। वो कहते हैं उन्हें जल्दी अब्रॉड जाना है, वो नहीं चाहते उसमें गड़बड़ हो। वहीं मॉर्निंग तक चैन और लूसा जू का पीछा करते हैं और एक जगह पर आता हुआ देखते हैं जो कि रॉक सिक्योरिटी का ऑफिस था। वहीं मॉर्निंग सियाओ को एक और पार्सल मिलता है जिसमें कुछ तो मिट्टी जैसी चीज थी। लियांग कहता है कोई उनके साथ खेल खेल रहा है। वहीं चैन और लूसा रॉक सिक्योरिटी में घुसकर जू के सबूत के तौर पर वीडियो बनाते हैं और जियांग को दिखाते हैं। वहीं जब सियाओ और बाकी सब कपल को लेकर जा रहे थे पिंक पैंथर छत से उस बंदे को देख लेती है जो उन पर नजर रखे हुए था। वो अपने दोस्तों को सावधान कर देती है। वहीं लियांग और सियाओ उस बंदे को कैसे तो पकड़ लेते हैं। वो बंदा उनसे कहता है वो नहीं जानते वहाँ किस तरह का आदमी है। वो बंदा कहता है उसने उसके डैड को मारा है और पुलिस के पास नहीं गया क्योंकि उसने सारे सबूत मिटा दिए। वो बंदा वांग के पास आने पर उस पर गुस्सा करता है तो वांग कहता है उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके डैड को हार्ट अटैक आया था। वांग उसे जेल में डलवा देता है, लेकिन उस बंदे ने सियाओ को कुछ दिया था जिससे उस पर उन्हें भरोसा हो, जिससे सियाओ को काफी सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद सियाओ अपने डैड से पूछती है कि अगर उन्हें किसी बुरे इंसान का बॉडीगार्ड बनना पड़ा तो क्या उन्हें ये करना चाहिए। वहीं हम वांग को देखते हैं जो अपनी बेटी से बात कर रहा था कि तभी उसकी वाइफ उसे रोकती है। हमें पता चलता है ये वांग की दूसरी वाइफ है जिसके बारे में उसकी बेटी को भी नहीं पता था। ये सारी बातें सियाओ को पता चलती है तो वो वांग के पास आती है तो वांग कहता है इस लड़की के लिए ही उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसकी बेटी को छोड़ दिया। यहाँ सियाओ वांग को बताती है सालों पहले वो भी उसकी बेटी की ही तरह थी जब उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वांग को छोड़कर वो लड़की जाने लगती है और सबको सच बता देती है कि वांग की सारी आईडी फेक है और उसका बैंक के ऊपर 100 मिलियन युआन का उधार है। इसके बाद वांग खुद ही अपनी सजा एक्सेप्ट कर लेता है और जेल चला जाता है। वहीं जू का पीछा लूसा करती है तो कहीं जू छुप जाता है, लेकिन जैसे लूसा को दिखता है दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ लूसा उससे कहती भी है कि रॉक सिक्योरिटी उनका डाटा इस्तेमाल कर रहा है कि तभी जू का लीडर आकर लूसा से लड़ता है। लूसा को तभी कुछ लगता है उस बंदे के पंच से ये उसकी कोई ट्रिक थी। तभी चैन आकर जल्दी से लूसा को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ चैन लूसा के पास ही बैठा रहता है और वो उसे ऐसा देखकर बहुत दुखी था। चैन पास्ट की बातों को सोच रहा था। वहीं जियांग सभी की मीटिंग में कहते हैं कि सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए चाहे उनका क्लाइंट कैसा भी हो। जिसके अलावा यहाँ सबको सभी की सैलरी भी बताई जाती है। वहीं चैन को पता चलता है कि लूसा को हमेशा से दिल की बीमारी है। चैन यहाँ लूसा का पूरा ध्यान रखता है, उसे होश आता है तो वो कहती है वो पूरे समय वहाँ क्यों है। तभी जियांग सियाओ और लियांग सभी वहाँ आते हैं लेकिन उन्हें साथ देखकर अंदर नहीं जाते। यहाँ
वहाँ जियांग लियांग और सियाओ को लूसा के वहाँ आने की पूरी कहानी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पिंक पैंथर को देखते हैं, जिसे चक्कर आ रहे थे। यान उसे संभालती है। हॉस्पिटल में चैन बताता है रॉक सिक्योरिटी से कोई था जिसने लूसा पर हमला किया, और साथ ही वो बताता है सियाओ और लियांग को कि जू अब रॉक सिक्योरिटी की तरफ है। वहीं जू घर पर ड्रिंक कर रहा था। सभी लूसा के पास आते हैं। सियाओ वहाँ से चली गयी थी। हम सियाओ को रिंग के अंदर देखते हैं, जहाँ उसने जू को भी बुलाया था। सियाओ उससे कहती है वो रॉक सिक्योरिटी में क्यों गया, जबकि उसे पता है वो डाटा चोरी कर रहे हैं। सियाओ उसे रॉक सिक्योरिटी छोड़ने को कहती है, जिसके बाद वो उससे फाइट भी करती है और जू को बहुत मारती है। यहाँ सियाओ जू से कहती है वो बदल गया है। जू को बुरा लगता है, वो कहता है हाँ वो बदल गया। यहाँ जू कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो उसे हमेशा प्यार करती रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर पर आने पर सियाओ के डैड उसकी बहुत केयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका मैच देखा था जब वो जू से लड़ रही थी। अब सभी को ये पता चल चुका था। सभी दोस्त कहते हैं अगर वो उनके सामने भी आया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद लूसा भी ठीक होकर आ गई थी। सभी उसका वेलकम करते हैं। इसके बाद सभी की मीटिंग होती है, जहां जियांग लूसा और चैन सभी के काम की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन यहां लूसा कहती है उसे अब जाना है। चैन उसे रोकता भी है, लेकिन वो कहती है उसकी बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं करेगी। जियांग भी मान जाता है, लेकिन वो उसे 2 महीने का टाइम देते हैं। इसके बाद जब सभी साथ बैठे थे वो कह रहे थे कि हाल ही में लूसा बहुत बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं है। तभी पिंक पैंथर को वापस से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो कह देती है उसका पेट थोड़ा दर्द कर रहा था, इसीलिए वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। साइड में जाकर पिंक पैंथर किसी से कह रही थी कि उसकी दवाई काम नहीं कर रही। इसके बाद जू सियाओ से मिलने आता है और उससे कहता है वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। वो समझाने आया था सियाओ को और फिर चला जाता है। इसके बाद हम पिंक पैंथर को उसके भाई वो के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, और यही बंदा रॉक सिक्योरिटी का लीडर है। यहाँ पिंक पैंथर को पता चलता है उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो बढ़ रहा है। डॉक्टर कहता है सर्जरी हो तो सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होती है, जिसमें जान का खतरा भी होता है। पैंथर को देख पाते हैं, जिसे डॉक्टर से पता चलता है उसे ब्रेन ट्यूमर है। अब वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल और जिंदा रह सकती है, जिससे पिंक पैंथर को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ से बाहर जाती है, जिसके बाद हम पिंक पैंथर को बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ वो ड्रिंक करने के साथ बहुत ज्यादा रो रही थी। यहाँ से जाने के बाद पिंक पैंथर चिल्लाते हुए LHHD पहुँचती है, जहाँ उसे लियांग मिलता है। लियांग उसे बहुत ज्यादा नशे में देखता है तो उसे उसके कमरे में लेकर जाता है। वो उसे सुला कर जा ही रहा था कि तभी वो वहाँ कुछ फोटोज देखता है जो उसी की ही थी। इसके साथ ही वो उसके पीछे उसने लिखा था, वो उसे जोर से चिल्ला कर कहना चाहती थी वो उसे पसंद करती है, और ये भी लिखा था मैं आज लियांग से मिली, उसने मुझे 3 बातें कही, पहले पिंक पैंथर, दूसरे सियाओ कहाँ है और शुक्रिया। ये देखने के बाद लियांग वहाँ उसकी और भी फोटोज देखता है। तभी उसे वहाँ समझ आ जाता है पिंक पैंथर उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट डे उठने पर पिंक पैंथर को पता चलता है कि लियांग ने उसकी फोटोज देख ली है। तभी लियांग उसे कॉल भी करता है और बताता भी है उसने फोटोज देख ली है। जब लियांग फोन पर पिंक पैंथर से बात कर रहा था, उसके पास सियाओ आती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फैंग सियाओ को एक मिशन देता है, जिसमें उसे एक लड़की को अब्रॉड भेजना था। इस लड़की का नाम सेन था, और सियाओ को सेन को 3 दिन बाद फ्लाइट में बैठाना था। जिसके बाद सियाओ उस लड़की के पास पहुंच जाती है, जो कि एक स्टूडेंट थी। वो लड़की अपने डैड से पूछती है तो उसके डैड कहते हैं 3 दिन बाद वो बॉडीगार्ड उसे फ्लाइट में बैठा देगी। वहीं हम पिंक पैंथर को देखते हैं, जो लियांग से मिलने के लिए बहुत खुश थी। फिर तैयार होकर वो लियांग के पास आती है और उससे कहती है कि ये उसकी पहली डेट है। वहीं LHHD में सभी सीनियर की मीटिंग हो रही थी, वो रॉक सिक्योरिटी की ही बात कर रहे थे। यहाँ जियांग बताते हैं कि वहाँ का जो लीडर वो है, वो कभी इसराइल में उसके साथ था। वो बताते हैं ये एक काफी डेंजरस फाइटर है। जियांग उसकी फोटो भी दिखाते हैं। वहीं सेन टीचर से स्कूल से जाने की परमिशन ले लेती है। जियांग सभी को बता रहे थे कि वो जब उसके साथ था तो वो हर कंपटीशन को जीता करता था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद सब बदल गया और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वहीं हम पिंक पैंथर और लियान को समुन्द्र किनारे साथ में खड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ पिंक पैंथर लियान को बताती है कि जब वो उससे पहली बार मिली थी तब से वो उसे पसंद करने लगी थी। वहीं सेन सियाओ से कहती है वो अब्रॉड जाकर
एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाएगी। सेन फिर सियाओ से पूछती है, क्या सभी बॉडीगार्ड उसकी तरह ही सुंदर होते हैं? सियाओ कहती है, बॉडीगार्ड को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद सियाओ सेन के साथ उसके घर पर आ जाती है, जहाँ सेन के पास एक डॉग भी था। रात को लियांग पिंक पैंथर को छोड़ने आता है, जहाँ पिंक पैंथर उससे कहती है कि वो आज बहुत खुश थी। वहीं सियाओ सेन के रूम का सामान सही से रख रही थी। सेन सियाओ से कहती है कि वो उसके डॉग को छोड़कर नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट डे सेन अपने डॉग को किसी और को देने वाली थी, उसे बुरा लग रहा था। तभी सियाओ को फैंग का कॉल आता है, वो उसे बताता है कि वो सेन को टीवी देखने ना दे और ऑनलाइन जाने भी ना दे। सियाओ के पूछने पर फैंग कहता है, सेन के डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। सियाओ कम्प्लीटली शॉक थी। घर आने पर सियाओ सेन का राउटर खराब कर देती है, उसे ऑनलाइन जाने ही नहीं देती। सेन बोर होने लगती है, वो कहती है कि वो उसे कहानी सुना दे, तो सियाओ उसे एक कहानी सुनाती है। वहीं यान का हस्बैंड तो LHSD पहुंच जाता है और फैंग से गार्ड के लिए बोलता है और यान को बुलाने को कहता है। यान उसे देखते ही उसे यहाँ से बाहर ले जाती है। वो उससे कहती है कि आखिर वो चाहता क्या है, लेकिन वो तो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वहीं सियाओ सेन के साथ डांस भी करती है। सियाओ सेन को बस खुश रखना चाहती थी, जिसके बाद वो रुक जाती है। तो सेन उसे डांस करने की जिद करने लगती है। रात को सियाओ सेन को क्लब में भी लेकर आती है, जिसके बाद रात को सेन को लाकर बिस्तर में भी सुलाती है। वहीं फैंग लियांग को एक नई क्लाइंट दिखाता है, जो एक सेलिब्रिटी थी। लियांग तो उसे देखकर खुश हो जाता है। वहीं सियाओ के पास पिंक पैंथर भी आ गई थी। यहाँ पर पिंक पैंथर फिर से सियाओ से पूछती है कि वो लियांग को पसंद नहीं करती। सियाओ पिंक पैंथर को बताती है कि लियांग के डैड उसके बायोलॉजिकल डैड है, जो उसे और उसके मॉम को अकेला छोड़कर चले गए थे। पिंक पैंथर सियाओ को गले लगा लेती है और दोनों ही रोने लगती है। वहीं अब सेन के जाने का टाइम हो गया था। सियाओ पहले सेन को LHSD लेकर जाती है। जाते हुए सेन बहुत खुश थी। वो कहती है वो वहाँ जाते ही बहुत सारी फोटोज लेगी। जाने से पहले सेन को एक लेटर मिलता है, उसे अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और सियाओ उसे एयरपोर्ट ले जाती है। जो एयरपोर्ट पर न्यूज से सेन को पता चल जाता है उसके डैड मारे गए हैं। वो वहाँ ये देख कर रोने लगती है। सियाओ उसे संभालती है। सेन को पता चलता है उसकी मॉम हॉस्पिटल में मारी गई, जिससे सेन टूट जाती है, जैसे उसकी जिंदगी अब एक ही पल में खत्म हो गई हो। इसके बाद सेन खुद को संभालती है और सियाओ से कहती है वो हार नहीं मानेगी, वो एक अच्छी जिंदगी जिएगी। सियाओ उसे गले लगाती है। सेन वापस अपने स्कूल आ जाती है। सियाओ उसके डॉग को वापस ले आती है, क्योंकि अब सेन कहीं नहीं जा रही थी। सियाओ सेन से कहती है वो हमेशा उसके साथ है, इसीलिए वो कभी भी हार ना माने, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। LHSD वापस आने पर जियांग सियाओ से कहते हैं कि वो एक बॉडीगार्ड है, फिर उसने सेन से ज्यादा प्राइवेट बातें क्यों की। सियाओ कहती है प्रोटेक्ट करना सिर्फ उसकी बॉडी की रक्षा करना नहीं होता, इसीलिए वो जानती थी उसे उस वक्त पर क्या करना चाहिए था, इसीलिए उसने वैसा ही किया। जिसके बाद सियाओ वहाँ से चली जाती है। सियाओ समुन्दर किनारे आ जाती है। तभी उसे यान का कॉल आता है, तो सियाओ उसके पास आ जाती है। दरअसल यान सियाओ को बताती है उसका हस्बैंड LHSD में आया और उसे बॉडीगार्ड के तौर पर चुना, उसे क्या करना चाहिए। तभी सियाओ के डैड कहते हैं उसे क्लाइंट की रक्षा तो करनी होगी। तभी यान को उसी का कॉल आता है, वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं यान का हस्बैंड किसी से छिप रहा था। वो यान को उसी के साथ सोने को कहता है। यान कहती है वो पागल है। वो बंदा कहता है वो LHSD में कंप्लेंट कर देगा अगर वो ऐसा नहीं करती तो, इसीलिए यान उसी के रूम में बैठ जाती है। नेक्स्ट डे हम लियांग को उसी सेलिब्रिटी लेडी के साथ देखते हैं, जो कार से जा ही रहे थे। तभी लियांग किसी को उनका पीछा करते हुए देखता है। वो गाड़ी को रोककर उस बंदे का पीछा करता है। वहीं यान का हस्बैंड अब भी उससे माफी ही मांगे जा रहा था। यान कहती है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट डे यान सियाओ से मिलने आती है। वहीं हम सेलिब्रिटी को देखते हैं, जो किसी को ऑनलाइन कह रही थी कि वो उसका पीछा छोड़ दे। वहीं हम देखते हैं यान अपनी बेटी को उसके हस्बैंड वांग से मिलाती है, लेकिन उसकी बेटी तो उससे डर रही थी। जिसके बाद वांग अपनी बेटी के साथ घूमता है, अच्छा टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद यान की बेटी वहाँ से चली जाती है। यहाँ वांग यान से कहता है क्या उसे अब भी भरोसा नहीं। यान कहती है उसे उसकी बेटी से मिलना था, उसने मिला दिया। दूसरी तरफ हम पिंक पैंथर और लियांग को साथ देखते हैं, जो एक बंदे के घर में आ गए थे और यही वो बंदा था जो सेलिब्रिटी को वार्निंग दे रहा था, डरा रहा था। वो इस बंदे से कहते हैं वो जिंदगी भर जेल में रहना चाहता है क्या। वो बंदा कहता है वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। वो बंदा सेलिब्रिटी को वीडियो कॉल करके माफी मांगता है।
वहीं यान अपने दोस्त से मिलने आई थी। यहाँ यान की दोस्त उससे कहती है उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसकी दादी काफी है। वहीं लियांग पिंक पैंथर को LHHD छोड़ने आता है, जिसके बाद हम लियांग को सेलिब्रिटी के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग अपनी बेटी और यान को एक जगह खाना खिलाने को लाया था। वहीं सेलिब्रिटी अपने पास्ट के बुरे दिनों के बारे में लियांग को बता रही थी। वो बताती है एक बार उसे लीड रोल मिला और उसकी जिंदगी बदल गई, जिसके बाद लियांग सेलिब्रिटी के साथ घूमने बाहर भी आता है। तभी पिंक पैंथर उसे कॉल करती है, लेकिन लियांग कॉल नहीं उठाता। पिंक पैंथर उसे ट्रैक करने की कोशिश करती है तो वो उसे ट्रैक भी नहीं कर पाती। वो बाहर आ जाती है। वो लियांग को सेलिब्रिटी के साथ देखती है। वो उसके पास आती है तो लियांग उसे सेलिब्रिटी से मिलाने में लग जाता है। सेलिब्रिटी कल मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम फिर से उस बंदे को सेलिब्रिटी का पीछा करते हुए देखते हैं। मॉर्निंग उठने पर सेलिब्रिटी उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई देखती है। वहीं चैन लूसा को अंगूर खिलाने वाला था, लेकिन वो तो उससे गुस्सा थी, इसीलिए उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी चैन के पास जियांग आ जाते हैं। यहाँ जो लूसा थी वो अपने होम टाउन जाना चाहती थी। तभी जियांग चैन को एक दूसरी जगह ले आता है और चैन को कुछ बातें बताता है लूसा के बारे में। चैन भागकर लूसा के पास आता है। वहीं लूसा चैन के बारे में ही सोच रही थी। यहाँ आकर चैन अपनी गलतियों के लिए लूसा से माफी मांगता है। यहाँ लूसा भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों यहाँ किस करते हैं। वहीं हम यान उसकी बेटी और उसके हस्बैंड को साथ देखते हैं। तभी कुछ लोग वांग को पकड़ने के लिए आते हैं। वांग अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। यान भी उसके पीछे भागती है क्योंकि उसे उसकी बेटी की फिकर थी। वांग अपनी बेटी को लेकर छत पर चला जाता है। दरअसल जो लोग उसके पास आए थे उसने उन लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। यहाँ यान भी डरी हुई थी क्योंकि उसकी बेटी वांग के पास थी। यान धीरे धीरे उसके पास आती है। तभी सियाओ भी वहाँ आ जाती है क्योंकि यान ने कॉल कर दिया था। यहाँ वांग अपनी बेटी को यान को दे देता है। वो छत से कूदने वाला था लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वहीं जियांग चैन और लूसा को साथ रहने के लिए कह देते हैं। वहीं जब लियांग को सेलिब्रिटी के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है और लोगों को रोकता है, जिसके बाद लियांग वापस उस बंदे के घर पर जाता है जिसने पहले भी सेलिब्रिटी को धमकी दी थी। दरअसल इस बंदे के साथ कुछ गलत हुआ था तो इसने सेलिब्रिटी के साथ भी वैसा ही करने का सोचा था। लियांग उससे कहता भी है उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है वो दूसरों के साथ भी वैसा ही करेगा। इस बार ये बंदा भी अपनी गलती मानता है। इसके बाद ये बंदा सेलिब्रिटी से मिलता है जो इससे कहती है कि वो सेलिब्रिटी है लेकिन एक आम इंसान भी है, उसे भी उसके आसपास हो रही चीजों से फर्क पड़ता है। वो बंदा सेलिब्रिटी से माफी मांगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।